जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाई तभी तक चढ़ाला पहली डाल बोलू। हाँ बोलिए। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो योग समारिते जेति भुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन ताते दुख हारी सुख हार कहे सीत गुरु करुणा दात ताइसिनो भवि मन तिरान जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी तास ब्रह्मन की है बहु कथा पै कुछ कहू कही मुनियता काल अनंत निगोद मझार पीते एकेन्द्रिय तनधार एक श्वास में अट दश बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो दुर्लभ लही जो चिंता मणि तो पर्याय लही त्रसतणि लट पिपिल अलि आदि शरीर दर दर मर्यो सही बहु पीर कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी तयो सिंहाधिप सैनी है क्रूर निबल पशु हति खाए भूत कबहु आप भयो बलहीन सबल निकरी खायो अति दीन छेदन भेदन भूख रुपया भार वहन हिम आतप त्रास वद बंदन आदिक दुख घने कोट जीप ते जातन मन बने अति संक्लेश भावते तै मर्यो घोर शब्र सागर में पर्यो तहा भूमि पर सत दुख इसो बिच्छु सहसट से नहीं तिसो तहा राग श्रोणित वाहिनी कुमिकुल कलित देह दाहिनी से मर तरु दल जुत असिपत जो देह विदारे तत मेरु सम्मान लोह गली जाए सिंधु नीरते प्यास न जाए लोक के नाच झुकाए मिटे न भूख कड़ा न लहाए ये दुख बहु सागर लो सहे कर्म योग के मर दुख लहे जननी उदर वस्यो निर्मास अंग सकुचते पायो त्रास निकसत जे दुख पाए गोर तिनको कहत न आवे और बालपने में ज्ञान न लयो तरुण समय तरुणित तरुणी रत रहयो अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो कभी अकाम निर्जरा करे पौन त्रिक में सुरत न धरे विचय चाह दावा नल दयो मरत विलाप करत दुख सहयो जो विमान वासी हूँ उताय सम्यक दर्शन बिन दुख पाय कहते च यथा वर्तन धरे जो परिवर्तन पूरे करे। जिनवाणी विराजमान हो गई करनी चलिए करते हैं जिनवाणी विराजमान करते हैं करिए मधु जी
परिणादि और रागादि वर्ण तिभेद बिन निज भावितु परमार्थ दर्शन ज्ञान सुख में हृदय चल चेद भावितु दर्शाय सरस्वती देवी मेरा किया परम उपकार है निज भाव में ही तेरे रहूं हाँ प्रीति जी करेंगे मंगलाचरण। प्रीति जी मंगलाचरण। विशुद्ध बुद्धि लत सौवथा तिवण शिरसे हरिया पश्यन्तु भडारया सौवे तिवण भवन पसर्य पचखबोह किरण परिवेणु उयो वियणथ मणो अरहत दिवायरो जयौ तिरयण खगणिहाय नोतार्य मोह सेण चिराणिवो आयरिय राउ पसियौ परिवालिय भविय जिय लोवो अन्नानन्दयारे अणोर पारे बमंत भवियाण उचो वो जय कौ पश्यन्तु सयाउअ छाया तुहतिवती सविणणीय तिहुवण भवियाण सुठरायेण यादम पवा सुअपजलवाणपयाणेन सन्धार्य शीलहरा उत्तार्य चीरपमाद दुस्तिलभरा साहु जयन्तु सौवे शिव सुहपह सण्ठिया हुणिकलिय भया जय उधर सेन नाहो जे पाहुड से लो बोधि सिरेण उत्तरियो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अचायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं कामुन्नमुकारं अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणं आयरिय उवज्जाय लोगम्मीय सौवसाहुणम् एषो परमेटिणं पञ्चणं विभावुनमुकारो सौवस कीर्माणो पावस पणासणो होइ अरहंत भासियतम गणहर देवे गंधियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनाण हो वही सिरसा पयाणी सुबारह कोड़ि सयेण सुलख तिरासी ज्योति भरेण सहस अठावन पंचवियाणी सयापण मामी जिणिंदवाणी। श्रुत भक्ति में द्वादशांग जनवाणी के 112 करोड़ 83,58,000 5 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। 14 पूर्व उत्पाद अग्रायणी वीर्यानुवाद अस्तिनास्ति प्रवाद ज्ञान प्रवाद सत्य प्रवाद आत्म प्रवाद कर्म प्रवाद प्रत्याख्यान पच्चान विज्ञानुवाद कल्याणवाद प्राणवाद क्रिया विशाल और त्रिलोक बिंदुसार। इन 14 पूर्वों की संख्या है 95,50,05 पद। उनको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दूसरे अग्रणी पूर्व उसमें महाकर्म प्रकृति प्रावर का विशेष ज्ञान आचार्य धरसेन को था। उन्होंने
श्रुत का विच्छेद न हो जाए, इस शुभ राग से उन्होंने पुष्पदंत और बुद्धबली आचार्य को उसका ज्ञान दिया। बुद्धबली और पुष्पदंत आचार्य ने इस वर्तमान काल में सबसे पहले लिपिबद्ध किया जिनवाणी को, और जिनवाणी में प्रथम श्रुति स्कंद जिसका नाम है षट्खंडागम। इनके छह खंडों में से पहले पांच खंडों पर यानी छठे खंड महाबंध को छोड़कर पांच खंडों पर आचार्य वीरसेन की हमको धौला नाम की टीका उपलब्ध है। यह हमारा भाग्य है। इस टीका का 16 पुस्तकों में प्रकाशन हुआ है। हम यहाँ पर क्रमशः एक एक पुस्तक का स्वाध्याय करते हुए वर्तमान में हमारा यहाँ पर तीसरी पुस्तक का स्वाध्याय चल रहा है। तीसरी पुस्तक का राजेश भैया विषय क्या है कि 14 गुण स्थान और 14 मार्गणाओं में जीवों की संख्या को बताया है। शिक्षा जी यहाँ पर जो अपने प्रथम शुद्ध स्कंद और द्वितीय शुद्ध स्कंद है उसमें सारा वर्णन गुण स्थान और मार्गणाओं में ही किया गया है। मतलब दो तरह से, चाहे आप कषाय पावर की 16 पुस्तक लें, चाहे आप धवला जी की 16 पुस्तक लें, चाहे आप महाबंध की पुस्तक लें, हर जगह पर राजेश भैया अगर वर्णन आएगा तो उस वर्णन की शैली क्या है कि आचार्य उस बात को जो विषय चल रहा है उस विषय को आचार्य तो गुण स्थानों में बताएंगे या मार्गणाओं में बताएंगे। शिक्षा जी है हमारे यहाँ पर। शिक्षा जी आप कहाँ से, नाम सही है ना शिक्षा जी, तो और भी और संजिया जी है, विजय ममता जी, मंजू जी। हाँ मैं क्या बताना चाहता हूँ कि सारे जिनागम को श्रेणी कहना, और गुणस्थान को क्या कहते हैं कसुर जी, ऊप, मारणों को कहते हैं आदेश। तो तीसरी पुस्तक में जो द्रव्य प्रमाणानुगम जिसका दूसरा नाम है संख्या, उसका वर्णन भी 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाओं में किया। हमारा राजेश भैया गति मार्गणा का जो है सूत्रों का स्वाध्याय हो चुका है और उसके अंत में उसी विषय को स्पष्ट करने के लिए जो चतुर्गति संबंधी अल्प बहुत्व है उसका यहाँ पर वर्णन चल रहा है। और हम आ गए यहाँ पर पल्ल्य तक के, कल पेज नंबर प्रश्न संख्या 300 तक अशोका जी ने जो है पल्ल्य तक के स्थान को पढ़ा था। आज पेज नंबर 300 पल्ले से आगे के स्थान की हम यहाँ पर जो है पहले वाचना करेंगे और फिर उसके विषय का ज्ञान करने के लिए कुछ स्पष्टीकरण करेंगे। उसके पहले किरण जी भाई साहब पुस्तक 3 का मंगलाचरण बोलेंगे। पुस्तक 3 धवला पुस्तक 3 का मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल नानुज्जोय सद्दवमनिंज जयं पवाई नम्युनकिनम्बनीमो दौवनि ओकं गणियसारं दौवनि ओकं गणियसारं। इस मंगलाचरण के अंदर वीरसेन आचार्य ने गणित के सार को कहने की प्रतिज्ञा की, लेकिन गणित की सार किसका, के जिनेंद्र भगवान जिनके ज्ञान का विषय अनंत राशि वाले जीव भी हैं, असंख्यात राशि वाले और संख्यात राशि वाले। मंगलाचरण में तो कहा कि 6 द्रव्यों को जिन्होंने प्रकाशित किया है, मतलब जिन्होंने अपने ज्ञान में जान लिया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके यहाँ पर 14 गुणस्थान और 14 मार्गणा में जो संख्या बताई है उसका वर्णन करेंगे। अब दूसरे बोल में कहा है कि जिन्होंने प्रवादियों को जीत लिया है। पहले में क्या कहा कि जिन्होंने 6 द्रव्यों को जान लिया है ऐसे जिनेंद्र भगवान। दूसरे क्या कहा, जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, हमारे महावीर भगवान कैसे हैं कि जिन्होंने प्रवादियों को जीत लिया है। अब बताओ भगवान तो घर छोड़ चुके हैं, संसार छोड़ चुके हैं, प्रीति जी कैसे जीतेंगे, कैसे जीता उन्होंने, उन्होंने क्या युद्ध की, वाद विवाद किया, तर्क है, वास्तव में भगवान हमेशा मौन ही रहते हैं। तीर्थंकर का जीव एक बार मुनि दीक्षा धारण करता है ना, बोलता ही नहीं है, कहने को अपन दिव्य ध्वनि कहते हैं, वो तो भगवान की बिना अच्छा निरक्षर ध्वनि कीर्ति है।
और हम कह रहे हैं कि उन्होंने जीत लिया। अब उनके पास में न तो कोई हाथ में वेपन है, न उनके पास में कोई सेना है, सबसे मुंह को छोड़ चुके हैं, कैसे जीत लिया? यहां पर जीत लिया मतलब उनकी बातों का जो कुतर्क था उसका खंडन जिनेंद्र भगवान की सत्य बातों से स्वतः हो जाता है, यही हुआ जीत लिया। जैसे कहा क्या कि आप कोई बात किसी, आपको कोई सामने वाला कोई बात गलत कह रहा है और आपने उस पर सही बात को बता दिया, तो आपने ये कहा गया आप उसको जीत गए। किसमें जीत गए? राज में नॉलेज में जीत गए आप। क्या हुआ? नॉलेज, नॉलेज है ना, ज्ञान में आप जीत गए। या कौन सी जीतने की बात है? ज्ञान में जीत गए आपने। निजी पवाही मतलब उन्होंने प्रवादियों का, अन्य मतियों का, क्या हो सकता है कि अपन बोलते हैं नरक सात है, वहां पर इतनी जीव राशि है, कोई कहेगा अरे बारहवा वर्गमूल, दसवा वर्गमूल, अरे रे रे रे, ये कैसे हो सकता है? तो ये सब बातों को कि क्योंकि भगवान का ज्ञान जो है प्रमाण है, वीर सेन आचार्य ने अपनी टीका में इस बात को बार बार कहा। और वास्तव में देखा जाए तो भूत बलि पुष्पदंत आचार्य ने सूत्र बनाए, वहां पर भी ये केवड़िया शब्द है ना, केवड़िया केवड़िया, मतलब प्रच्छा सूत्र को साथ में लेकर जो बात किया वह बात इसकी प्रामाणिकता है कि भगवान ने कहा वही उपदेश चला रहा है। और आप लोगों को ध्यान होगा ममता जी कि भगवान महावीर का ही उपदेश सत्य क्यों है, अन्य भगवान का उपदेश सत्य क्यों नहीं है? इसलिए कि आप राजेश भैया आप जो है भगवान महावीर को मानते हैं इसलिए आप कहेंगे हमारे भगवान सत्य हैं, कि नहीं ऐसा नहीं है। आचार्य हमारे कहते हैं कि असत्य बोलने के जो कारण है ना, उन कारणों को बताया और उन कारणों का अभाव बताया। जैन धर्म के शास्त्र का और कितना सुव्यवस्थित है, हम कहते हैं कि हमारी भगवान की वाणी सत्य है। मधु जी सभी कहेंगे हमारे धर्म के हमारे हमारे गुरु ये हमारे गुरु, उनकी वाणी सत्य है। तो प्रवीणा जी कहते हैं कि क्या आप जैनी है इसलिए आप तो जैनी मानेंगे, हम भी अपने अपने धर्म को मानते हैं, हम तो उसी कुल में पैदा हुए, हमारी वो बात सत्य है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके भगवान की बात ही सत्य है? बहुत 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 ही बहुत सुव्यवस्थित ढंग से इसको सिद्ध किया। पहले तो बोला कि असत्य बोलने के कारण होते हैं वो राग द्वेष, और दूसरा होता अज्ञान। और हमारे जिनेंद्र भगवान में दोनों ही नहीं है, कि उन्होंने अपने ज्ञान में छह द्रव्यों को प्रकाशित किया है, इसलिए उनके जो है वचन सत्य है। यहाँ पर जब द्रव्य प्रमाण अनुगम बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बोल आते हैं, आवली का संख्या दो भाग, संख्या आवली, कहीं पर विषकंभ सूची, कहीं पर विषकंभ सूची पहले है, कहीं पर अवार काल पहले है। वास्तव में इन सब बोलों से तो केवल ज्ञान की सूक्ष्मता का ज्ञान होता है, उसकी महिमा आती है। और वास्तव में ऐसे महिमा करते करते हैं किरण जी भाई साहब ने सुरंगी सभा पर अपनी महिमा जानी चाहिए। ये है इसका कि देखो कितनी छोटी छोटी और सूक्ष्म सूक्ष्म बातें आई है। पल्ले से आगे के बोलों को लेना, चतुर्गति का अनुभव चल रहा है। प्रवीणा जी कल आपने पूछा था कि वो दो चार्ट भेजे थे मैंने, इसलिए कि थोड़ा आप देख ले तो उसके बारे में बात करें। यहाँ चार गति का जो अल्पबोध चल रहा है ना, उस चार गति के अल्पबोध में आचार्य ने सबसे पहले मनुष्य गति के संबंधित पर्याप्त मनुष्य को लिया, कि मनुष्य गति कहेंगे तो संख्यात और असंख्यात होगी, लेकिन आचार्य ने क्या बताया, पहले संख्यात राशि वाले जीव बताए। तो संख्यात राशि वाले कितने बोल आए थे? हमारे अशोक जी को पता है कि कुल 13 बोल आए थे। कितने बोल आए थे? 13 बोल आए थे। और 12 बोल में मनुष्य पर्याप्त के थे, और एक जो बोल था 13वां नंबर का वो मधु जी किसका था? सर्वार्थ सिद्धि के विमान राशि का। ठीक है ना मधु जी, ये तो हो गया था, ये हो गया था पर्याप्त के। अब इसमें क्या हुआ, वास्तव में देखा था तो मनुष्य गति के सब समाप्त हो गए, केवल मनुष्य अपर्याप्त के बोल रह गए। और मनुष्य अपर्याप्त की संख्या कितनी है? असंख्यात में, ठीक है ना, वो असंख्यात में आएंगे। अब असंख्यात के बोल कहां से शुरू हुए? पल्ले के बाद से शुरू है। कहां से शुरू है? पल्ले के बाद से शुरू है। हाँ, पल्ले के बाद से शुरू होते हैं, पल्ले के नहीं, पल्ले तक के आ जाते हैं, मतलब उसके बाद में जब असंख्यात के बोल शुरू हुए ना, असंख्यात के बोल जो है, अपन ने असंख्यात के बोल कैसे लिए? पल्ले से पहले, क्योंकि पल्ले कहां पर आता, पल्ले के पहले भी बहुत सारे असंख्यात स्थान आ जाते हैं। हम बताए कैसे आते हैं, देखो पल्ले कहां पर आता है? दीर्घ वर्ग धारा में आता है। पल्ले कहां पर? दीर्घ वर्ग धारा में आता है। अपन जब पनट्टी बादाल इकट्टी ऐसे आगे आगे वर्गस्थान चलते आते हैं तो वहां पर क्या आएगा?
अंतर्मूर्त आवली, आवली का प्रतनावली, ये सब इस तरह आते हैं और उसके बाद में जाकर जो है पल्ले आता है। और पल्ले के बाद में जब अपन बात करते हैं ना अंगुल की, उसकी बात अभी नहीं करेंगे, अंगुल किसका आएगा जगत श्रेणी वाली बात में, वो क्षेत्र की रिलेट हो जाएगी। तो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, पल्ले तक की बात कर रहे हैं। तो पल्ले किसकी यूनिट है, काल की यूनिट है। तो पल्ले तक के जो हमें स्थान निकाल लेते कितने के, कि जिस स्थान पर पल्ले आता है उसके पहले चार गति का जो अल्प वो चल रहा है प्रवीणा जी, उसके अल्पबोध के स्थान निकाल ले अपन ने। तो कौन से स्थान आएंगे कि जिनकी संख्या या तो पल्ले से कम हो एक पॉइंट, या जिनका अव्वार काल पल्ले से कम हो। अव्वार काल कहा तो संख्यातावली अंतर्मूर्त कुछ भी ले लीजिए, लेकिन काल के यूनिट में पल्ले से कम होना चाहिए, वो सारे स्थान पल्ले से नीचे आएंगे। पल्ले का स्थान कितना था अशोक जी, 211 था शायद अपना, कौन सा नंबर था, 210 था, ठीक है श्री, बहुत बढ़िया, 210 था, 210 जो था वो पल्ले का स्थान था। और 209 और 14 मतलब 14 स्थान चालू थे, क्योंकि अपने 13 स्थान तक तो अपने हो गए थे सरवार सिद्धि के विमान वासी के देवी प्रणय जी, याद है ना आपको। और हमने कहा था कि सरवार सिद्धि के विमान कितने हैं, कि जो मनुष्य नहीं है उससे 3 गुने या 7 गुने। ये कौन सा नंबर पड़ता, सरवार सिद्धि का 13वें नंबर पड़ता। 14वें नंबर पर से शुरू होते हैं और 14वें नंबर से लेकर 209 नंबर तक ऐसे स्थान है जो पल्ले से कम है। क्या मतलब है राजेश जी, कि पल्ले की कुछ जितने समयों की संख्या है उतने, मतलब 10 करोड़ संख्या है, मन 10,000 समय है, तो 10,000 तक के जितने स्थान होंगे वो सब अपन यहाँ पर गिनेंगे। ये संख्या की बात करनी होगा असंख्यात में। एक बार रुक गया हूं मैं, फिर से बोल रहा हूं, 14 नंबर से लेकर 209 तक सारे स्थान कहेंगे पल्ले के नीचे के स्थान। पल्ले का नंबर है 210 नंबर। अब संख्यात के स्थान समाप्त हो गए तो असंख्यात के स्थान समाप्त होंगे। इन स्थानों में यद्यपि कई स्टेशन ऐसे आएंगे जो जीव राशि वाले नहीं है, लेकिन उनको क्यों गिना गया कि अव्यवहार काल है। क्या है वहां पर, अव्यवहार काल है। अव्यवहार काल क्या मतलब, कि पल्य को जिस संख्या से भाग देने पर वो जीव राशि आती है उसको कहते हैं अव्यवहार काल। जैसे पल्य को प्रमाण माना जाता 65,536 और 232 से भाग दे तो 2048 सासादान गुणस्थान के जीव की राशि आएगी। अब यहां पर दो चीज आ गई है, एक हमारे पास में आया 32 जो अव्यवहार काल है, दूसरा अपना 2048 जो सासादान गुणस्थान की जीव राशि है। अब ये दोनों स्थान अल्पभूत में आएंगे कि नहीं आएंगे प्रवीणा जी, आएंगे। अभी दोनों स्थान पल्ले से नीचे के स्थान में कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, कहलाएंगे। इसे कोई और आप भी बता सकते हैं, नीचे वाले कौन से स्थान हो सकते हैं, देखिए हो सकते हैं अगर आप तीसरे गुण स्थान को लेंगे तो 4096 और वो भी पल्ले से नीचे है, चौथे गुण स्थान का है वो भी नीचे है। तो दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें गुण स्थान संबंधित जितनी भी जीव राशि है और उनके अव्यवहार काल है वो सब क्या 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 कहलाएंगे, पल्ले के नीचे के गुण स्थान। हम क्या समझ रहे, पल्ले के नीचे के गुण स्थान। तो पल्ले के नीचे के गुणस्थान क्या है, क्योंकि जो संख्यात राशियों के आगे जैसे असंख्यात होती है शुरू होती है, उन स्थानों की हम बात कर रहे हैं। तो उन स्थानों में पहला पॉइंट क्या लिया मंजुला जी इंदौर, कि दूसरे गुणस्थान तीसरे गुणस्थान चौथे गुणस्थान और पांचवें गुणस्थान के संबंधित जितने भी अव्यवहार काल है और जितनी भी जीव राशियां हैं वे सब पल्ले के नीचे के स्थान में कहे जाएंगे। अब कहां मेरे कसूर जी है, जिनको एक बार सम्यक दर्शन अवश्य प्रकट हो गया, यद्यपि दूसरे तीसरे गुणस्थान सम्यक दर्शन नहीं है। और इसको अपने क्या कहा था, गुणस्थान प्रतिपन्न जीव, क्या कहा था अपने, गुणस्थान प्रतिपन्न जीव कहा था। तो गुणस्थान प्रतिपन्न जीव के आएंगे, पर मिथ्या दृष्टि के जीव के गुणस्थान अपने नहीं लिए। लेकिन हमने एक विशेष बात बताई थी आपको, वो कसूर जी बताएंगे आपको, क्या बताई थी कि जो आनत प्राणत आरण अच्युत नव ग्रेवेक में जो मिथ्या दृष्टि है उनकी संख्या बहुत कम है,
उनकी संख्या कितनी है? बहुत कम है। तो वो भी पल्ले के नीचे के स्थानों में आएंगे। हमने बहुत सरल कर दिया, यद्यपि 14 से लेकर 211 स्थान, 10 और 10 तक के स्थान की संख्या बहुत है, मतलब बहुत हो गए। 210 में 14 घटाएंगे तो घटा के बताओ कितने आते, राजेश जी घटा के बताएंगे अभी जल्दी से। लेकिन 210 में से 14 घटाए हैं, है ना, इतने स्थान, अरे लगभग 200 हो गए, 194 196 जो भी आ जाए, है ना। तो इतने स्थान जो है ये कहा के पल्ले के नीचे के, लेकिन उसको हमने दो लाइन में हमने बता दिया। क्या प्रीति जी? दो लाइन में बता दिया। आशा मैडम कौन से दो लाइन है? जो 196 स्थान वो क्या है कि गुण स्थान प्रतिपन्न जीवों के अवार काल और उनकी जीव राशि, ये तो हो गए सब, जिनको जिनको एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। और दूसरे के जो मिथ्या दृष्टि में पड़े हुए हैं, लेकिन मिथ्या है ना, मिथ्या दृष्टि में पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे कौन से जीव है? केवल 13वें स्वर्ग से लेकर 9वें ग्रह व्यक्त। प्रवीणा जी कहाँ है? प्रवीणा जी ने पूछा था, बताइए पल्ले के नीचे के स्थान कितने हैं? पल्ले फिर हम आपको चार्ट भी समझाएंगे। प्रवीणा जी मुझे अच्छा लगता कोई स्वाध्याय करके पूछे, बहुत प्रसन्नता होती है कि अपन कम से कम समझ के तो पढ़ रहे हैं ना। बताइए प्रवीणा जी, मैंने दो पॉइंट बताए, आपने पूछा ना दूसरा नंबर का चार्ट जो समझ में नहीं आया था, उसमें पल्ले के नीचे के स्थान है, तो पल्ले के नीचे के स्थान के दो पॉइंट क्या बताए मैंने? बोलो प्रवीणा जी, आप अनम्यूट करेंगे तो हमको भी सुनाई पड़ेगा, तो पता चलेगा आप सही बोल रहे हैं कि नहीं। तो अभी तो मुझे नहीं आया कोई बात नहीं। प्रीति जी आप बताइए दोनों पॉइंट। एक बताया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे गुणस्थान प्रतिपन्न जो जीव बताए, मनुष्य गति छोड़ के बाकी तीन गति के जो जीव बताए वो, और वो पल्ले से नीचे लेने के, और 13वें स्वर्ग से 13, 14, 15, 16 ये स्वर्ग, और 9 ग्रहवेयक के मिथ्या दृष्टि जीव को पल्ले के नीचे मानना है। बहुत बढ़िया, मतलब अपने को मनुष्य गति अपने छोड़े नहीं, अपन ने ऑलरेडी उनको गिन लिए कि वो संख्यात राशि होते थे ना, अपन ने उनको छोड़े नहीं। आपका बहुत सही है। 14 के पहले मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, मतलब उत्तर गलती नहीं, आपका समझ भी है, लेकिन थोड़ा सबको स्पष्ट हो जाए कि अपन ने मनुष्य गति को छोड़े नहीं है, उनको अपन ने 1 से 12 में ले लिए। सिर्फ किसको छोड़ा है? मनुष्य पर्याप्त को छोड़ा है जो आगे आएगा, और वो पल्ले के नीचे भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो उसकी संख्या पल्ले से ऊपर है, मतलब वो स्थान कहां पर आएगा? पल्ले से जगत श्रेणी के बीच में आएगा। ये ध्यान रखो, मनुष्य पर्याप्त कितने हैं आशा बहन? कि पल्ले से अधिक और जगत श्रेणी से कम है। इसको क्या कहेंगे आशा बहन? जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग। अब कितना वो तो भगवान जाने, हम हमको बहुत बोल आने वाले, हम तो इतना बोल सकते जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग। किसकी बात कर रहा हूं? मनुष्य पर्याप्त। अपन मनुष्य को कहे तो मनुष्य संख्यात भी होते हैं और असंख्यात भी होते हैं। मनुष्य संख्यात के अल्प बहुत्व के यहाँ पर 12 बोल बताए थे, जो शुरू किया था 14 नंबर के अयोग केवली गुण स्थान से, और अंत में कर दिया था उन्होंने मनुष्य नी पर कर दिया था। कहां पर कर दिया था? अंत में मनुष्य नी पर कर दिया था। मनुष्य का 12वां नंबर था, 11वें नंबर पर मनुष्य पर्याप्त का था बस। उसके बाद में जो अपने तो मनुष्य अपर्याप्त का कहां पर आता है ममता जी? कि पल्ले से आगे आएगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कसूर जी? पल्ले के नीचे की बात कर रहे हैं। अब हमने कहा कि दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें गुणस्थान, तो पांचवें गुणस्थान के मनुष्य तीन गति के, क्यों लिए? पांचवें गुणस्थान के तो बात कहां पर आ गई? मतलब मनुष्य गति के सारे गुणस्थान में आ गए, तो मनुष्य गति की जिसकी हम बात कर रहे हैं उन सब गुणस्थानों की बात संख्यात राशि में, मतलब 1 से 12 नंबर के बोलों में आ गई है, तो जो बचे असंख्यात वाले उनकी ही यहाँ पर हम बात करेंगे। अब राजीव भाई बात तो सिर्फ दो की हुई है और स्थान हो गए लगभग 196 हो गए, है ना, 180, तो इतने स्थान कैसे बन गए? तो उसका कारण है कि भैया चार गति की बात कर रहे हैं, तो चार गति में दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान पाए जाते हैं, तो 4 या 12 तो यही हो गए। और तिरंज गति में पांचवा गुणस्थान भी पाया जाता है, तो 13 स्थान तो यही हो गए। और इन 13 स्थानों के अवार काल और 13 स्थानों की राशि ले तो कितने से हो गए? 26 हो गए। लेकिन ये तो ओक प्रणा हुई, क्योंकि मैंने तो गुणस्थान 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 की बात की। आचार्य तो कहते हैं मारगड़ा के प्रभेद में लगाएंगे, तो नरक गति के जो अपन लिए थे, अपन नरक गति के जो लिए था ना, दूसरे तीसरा चौथा गुणस्थान लिया था यहाँ पर, अब उसके प्रभेद बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे अशोका जी?
कि नरक गति में प्रथम पृथ्वी में कितने हैं, दूसरी पृथ्वी में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, चौथी कितने हैं, पांचवी कितने में, सातवीं के हैं, तो कितने स्थान बढ़ गए कि नरक के 21 स्थान बढ़ गए। नरक के अलग कर दिए ना, अपने पहले सामान्य की बात की थी तो 21 स्थान तो नरक के ही मिल जाते हैं, क्योंकि तीनों लेंगे नरक में दूसरा गुण स्थान भी होता है, तीसरा भी होता है, चौथा भी होता है, और वहां के जीवों की रश अवार काल और वहां का जो है लेंगे तो 21 स्थान तो नरक गति के हो गए। कितने हो गए? अशोक नहीं पढ़ने की जरूरत है, मैं तो ना ऐसे सोचता हूँ आराम से बैठ के, क्यों टेंशन ले कसूर जी, हम आराम से क्यों नहीं पढ़े, है ना, हमें पता, हम पढ़ते आ रहे पाल पाठ, 7 नरक होते हैं, नरक में 1 से 4 गुण स्थान होते हैं, हमने ये निश्चित कर लिया, 2 लाइन लिख दी कि पल्ले के नीचे कौन जाएंगे, दूसरे से चौथे गुण स्थान के स्थान आएंगे, तो आगे दूसरे तीसरे तीन गुण स्थान के आएंगे, 7 नरक होते हैं तो 7 नरक के 21 स्थान हो गए, याद हुए कि नहीं हुए आशा में? बिल्कुल याद हो गए। अच्छा हमें ये भी पता है कि पहले नरक की विष्कम्भ सूची कितनी है, कितनी है बोले अशोक जी बता सकते हैं, कैसे बताएंगे कि सोदर्म ईशान का वर्ग वर्ग विष्कम्भ सूची वर्ग करो, है ना, है तो किसकी आती है, नरक की आती है विष्कम्भ सूची, और उससे आगे का वर्ग करो तो भवनवासी की विष्कम्भ सूची आती है, ये तो हमें पता है ना, है ना। अब यहाँ पर हमारी विष्कम्भ सूची की बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो तो जगह पल्ले से आगे वाले स्थान में आएंगे, हम तो दूसरे तीसरे और चौथे गुण स्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने आपको पता है, हमें पता है जब हम दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान की बात करते हैं तो हमें वहां पर भी पता है कि विष्कम्भ, लेकिन वो आएंगी जहां पर आएंगी, लेकिन हमने तो आपको बता दिया 21 स्थान कैसे हुए, ये प्रवीण जी बताए कैसे हुए 21 स्थान नरक के। पहले नरक के 3 होंगे, ठीक है, पहले भी किया था सम्यक का कि नरक की पृथ्वी 7 होती है, पहले नरक में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों जन्म लेते हैं, दूसरे नरक से 7वें नरक तक केवल मिथ्या दृष्टि जन्म लेते हैं, वहां पर जाकर भले ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। तो आचार्यों ने सत्वरूपणा में दूसरी पुस्तक में जब हम कर रहे थे तो उन्होंने प्रथम पृथ्वी का आलाप अलग बनाए थे और दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी के आलाप का ग्रुप अलग बनाया था, जिसको मैंने बहुत चर्चा की थी। उन्होंने आपको याद है कि भूल गए अपने, है ना, अपने लेशिया के प्रकरण वगैरह में बहुत बताया था कि कैसे हो जाती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने वहां पर की थी। अब यहां पर भी वर्गीकरण तो वही किया है लेकिन अपेक्षा वह नहीं है। अरे हम तो यही समझ रहे थे कि वही बात है, क्या कहा मैंने, आचार्य ने सत्प्रपुरा में 7 नरकों के 2 ग्रुप किए, प्रथम नरक और दूसरा दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक का 1 ग्रुप किया। कारण क्या था, उर्मिले जी ने बता सकती थी कि भाई पहले नरक में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के अपर्याप्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक तक के जीवों में अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन नहीं होता है, केवल पर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन दोनों होते हैं, इसलिए ग्रुप किया था। अब मेरा प्रश्न कसूर जी आपसे क्या है कि यह विभाजन तो यहां भी है लेकिन हम कारण वही कहेंगे कि कुछ अलग है, कारण वह भी हो सकता, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कारण वही है कि अलग है, वही आप बताएंगे मुग्धा जी, कारण अलग है, यहाँ पे संपर्क स्थान नहीं है। हाँ, हाँ, तो क्या कारण है, समझाएंगे, यह क्षेत्रानुगम है, यहाँ पे संख्या निकालनी है इसलिए कारण अलग है। हाँ ये आप बता चुके हैं, अब इसको तो क्या कारण, क्यों, क्या अलग है, कारण क्या है, कारण क्या है, पहले नरक में संख्या ज्यादा है बाकी के नरक में कम है, और पहले नरक में सम्यक दृष्टि बिल्कुल सही है, पहले नरक में। अब आप लोगों ने देखो, मैं आपको बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, मुझे आनंद आ रहा है, आपने अपन ने पढ़ा था प्रमाण निरुक्ति कारण और विकल्प, मैं छोड़ नहीं रहा हूं, आप लोग नाराज मत होना, मतलब क्यों याद कर रहे हैं, जब कस्तूर जी ने अभी उत्तर दिया, प्रीति जी आपको तो डॉक्टरेट करना है ना, तो ये उत्तर कौन सा, प्रमाण है कि कारण है, पूछा तो जी प्रमाण है, अभी क्या बताया उन्होंने कस्तूरजन, क्या उत्तर दिया, उत्तर सही है, राजेश भाई उत्तर सही, आप लोगों को उत्तर गलत नहीं आ रहे, बहुत प्रसन्न था, उत्तर सही है, लेकिन मैं तो आगे रिसर्च में जा रहा हूँ ना,
कि जो कस्तूर जी ने उत्तर दिया सही दिया कि पहले नरक की संख्या बहुत ज्यादा है और दूसरे से लेकर सातवें तक की संख्या इतनी कम है कि सबको मिला लेना तो कुछ अधिक होती, ये बात अपन ने की। ये इसको क्या कहेंगे उषा दोषी, प्रमाण कहेंगे, कारण कहेंगे, प्रमाण कहेंगे, ये प्रमाण कहेंगे। और हमने पूछा क्या था प्रीति जी? कारण। कारण उत्तर आपने क्या दिया? कारण पूछा था। प्रमाण ये उत्तर कैसे हुआ? अनंत भगवान कौन होते हैं कि जिनको सम्यक दर्शन होता है वो अनंत भगवान होते हैं। अनंत भगवान का सम्यक दर्शन नहीं होता है? होता है, लेकिन उत्तर सही नहीं है। उत्तर सही क्या है कि जिन्होंने चार घातिया कर्मों को नाश किया वो अनंत भगवान होते हैं। तो हमारा पूर्वज ने कारण पूछा है, तो कारण बताओ क्या है। आप सब लोग इंटेलिजेंट है, सब केवल ज्ञान को प्रकट करने वाले, इच्छा द्रव्यों को अपने ज्ञान में प्रकाशित करने वाले, ऐसा स्वभाव आपके पास में पड़ा हो, बताओ। पर अपन स्वाध्याय करने 300 पेज तक अपन स्वाध्याय, एक हिंट देनी थी, एक देवों की संख्या नहीं होती होगी इसमें। अभी अपन नरक की बात कर रहे हैं, हम नहीं जाने देंगे। हम ना हमारा विषयांतर में, हम जो ना विषय में न किसी अन्य पुस्तक का रेफरेंस लेने देंगे, न हम जो पढ़ रहे हैं उसके कारण मैं बताता हूँ आपको। दूसरे नरक से लेकर सातवें नरक तक की जो विषकंप सूची बताई थी ना, वो कितनी बनाई थी? 12वां वर्गमूल, 10वां वर्गमूल, ये संख्या कितनी? जगत श्रेणी का भागाहार थी, जगत श्रेणी का भागाहार थी। और प्रथम जो विषकंप सूची है जगत श्रेणी का गुणाकार है, तो अंतर क्या हो गया? भागाकार गुणाकार का अंतर है। मुग्धा जी, जो भागाकार थे उनका एक ग्रुप बनाया, जो गुणाकार थे उनका एक ग्रुप बनाया। बहुत अच्छा उत्तर आया, मतलब ये तो जो विषय को समझकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आनंद आएगा। एक मार्गणा के प्रभेद एक ही किए, क्राइटेरिया क्या है ये जब तक अपन सुने, क्राइटेरिया क्या ये इसको कहते हैं। हर जगह बात में अपेक्षा क्या है, यहाँ पर द्रव्य प्रमाण कम किए तो संख्या की बात बताए। चलिए अशोका जी समझाइए क्या कारण है। भागा और गुणाकार का अंतर बताया आपने सर। भागा गुणाकार आपको आगे नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो मुझे थोड़ी डर लग रहा है इसलिए उषा दोषी से पूछता हूँ। कारण बताया उषा दोषी आपने, मैं आगे क्या पूछने वाला मालूम है? निरुक्ति क्या है? निरुक्ति क्या है? आज पहली बार मेरे को प्रयत्न हो रहा है आज की सुबह के टाइम पर कि इस शब्द पर प्रमाण, निरुक्ति, कारण और विकल्प हम जो पढ़ के आ रहे हैं। तो प्रमाण तो क्या था, प्रमाण वाक्य क्या था? अल्प बहुत में अपन प्रमाण, निरुक्ति, कारण और वो लगा रहे। कैसे लगाया? कि प्रमाण का वचन बोला था कस्तूरी जी ने, ठीक है ना, और कारण का वचन आप लोगों ने सबने मुझे बताया कि कारण क्या है। अब मैं बोलता हूं निरुक्ति क्या है, क्योंकि इसमें अवार काल है, विषकंप सूची नहीं है। प्रथम नरक में अवार काल है, ठीक है, प्रथम नरक में अवार काल भी विषकंप सूची, मतलब उसको जगत श्रेणी से गुणा करने पर आएगा, मतलब विषकंप सूची को गुणा किया। अभी अपन विषकंप ना प्रथम नरक की संख्या को पाने के लिए जगत श्रेणी को विषकंप सूची से गुणा कर रहे हैं, और दूसरे नरक से आदि से लेने की किसके कर रहे हैं? भाग से देने की कर रहे हैं। तो निरुक्ति क्या है मैं बता रहा हूं, इसका उत्तर तीसरे साल का बालक देगा, मतलब हमारे ग्रैंड सन वगैरह है ना प्रीति, वो सब दे देंगे। कैसे देंगे? दादी जी 16 में 2 का भाग देने पर 8 आते हैं, लेकिन 16 में 2 का गुणा करने पर 32 आते हैं। ये निरुक्ति हो गई क्या? उर्मिला जी आप धवला पुस्तक 3 की कठिन भाषा में मत जाओ, वो अपना संज्ञात पल्य निरुक्ति शब्द बहुत दिनों तक स्पष्ट नहीं हो रहा था, हमने बहुत बार लिया था, हमने वहां लिया था निरुक्ति में कि यहाँ पर वर्गमूल को उससे अवार काल से भाग देना है और वहां पर जो पल्य को अवार काल से भाग देना है, ऐसा अपन ने वहां पर निरुक्ति और कारण में अंतर दिखा था। एक बार अपन ने अलग से संडे को क्लास की थी निरुक्ति और कारण में, प्रीति जी उस दिन अटेंड नहीं कर पाई थी। अब मुझे ये भी याद है उस दिन देखा ना प्रीति जी कैसे टीचर है कि अपसेंट भी याद रखते हैं। बहुत ही धन्य है जी। प्रमाण और निरुक्ति पर अपन ने स्पेशल क्लास ली थी है ना, तो यहाँ पर अच्छा बोल रही है, वो पूछ रही है कुछ कैलिफोर्निया से कुछ नहीं नहीं अब सुनो मेरी बात सुनो, देखो हमको समझना है अपने को प्रमाण निरुक्ति, और आज बहुत अच्छा हो गया। तो प्रमाण वाक्य क्या हो गया कि पहले नरक से संख्या जो है बहुत अधिक है, क्योंकि दूसरे से लेकर सातवें की संख्या इतनी कम है कि साधिक पहले नरक की प्रति करें तो सारे नंबर की संख्या आ जाती है। प्रमाण वाक्य, ये क्या वाक्य है?
प्रमाण वाक्य है। कारण क्या बताया, क्योंकि संख्या की बात कर रहे हैं तो कारण क्या बताया कि पहले नरक की संख्या जगत श्रेणी को किसी गुणाकार मतलब विषम सूची से गुणा करने पर आती है और दूसरे से लेकर सातवें तक की संख्या भाग देने पर आती है। अब राजीव नंबर क्या निरुक्ति क्या है कुछ कहना है, है? यावार काल और ये जगत श्रेणी और विषम सूची और पल इनकी परिभाषा ग्रुप में थोड़ा आप डालेंगे तो थोड़ा हमें समझने की, क्योंकि नए जोड़े हैं ना तो थोड़ा इनके बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी। मैं अवश्य डालूंगा हमारे आप जितने भी टेक्निकल वर्ड हैं अपने जो आप यूज करते हैं। हाँ, ये टेक्निकल वर्ड है और मैंने एक दिन इसको जो है ना पूरा चार्ट से बताया था, फिगर बताया था, मैं चार्ट भी डालूंगा और मैं आपको वो भी समझाऊंगा। अब परिभाषा कि ऐसे ऐसे करने से ऐसा होता है तो वो आपने समझाते हैं पर समझने में फिर भूल जाते हैं, तो पढ़ने में बार बार याद कर लूंगा। देखिए जिसको अपन भागार बोलते हैं ना, भागाकार अंग्रेजी में शायद डिविजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिविजर बोलते हैं, और जिसमें भाग देना उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जिसको बोलते हैं जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं क्वोशेंट। यहाँ पर बोल रहे हैं भाज्यमान राशि, परिभाषा डाल दीजिएगा आप याद। हाँ मैं डाल लूंगा, ठीक है ना, लेकिन अभी आप इतना समझ के अभी चलिए, अभी आज की जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं कि अवार काल होता है भागाहार, मतलब किसी को भाग देना, तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसको कहते हैं अवहार काल, और जिसको गुणा करते हैं उसको कहते हैं विषकंभ सूची, जो गुणाकार के रूप में होती है उसको कहते हैं विषकंभ सूची। हम यहाँ पर हमारा जिसको भाग देना और जिसको गुणा करना वो संख्या कौन सी है, जगत श्रेणी, माना जो जिसके हम नरकों की बात करें वो जगत श्रेणी की बात आ रही है। तो क्या कह रहे हैं कि दूसरे नरक से लेकर सातवें नरक तक के कितने नारकी है इसकी संख्या को निकालने के लिए जो आचार्य ने द्रव्य प्रमाण का जो सूत्र बताया वह है कि जगत श्रेणी को किसी विशिष्ट संख्या से भाग देना है, जबकि पहले नरक की संख्या निकालने के उस जगत श्रेणी को गुणा करके निकालते हैं, तो गुणा करके संख्या अधिक आएगी। जैसे मैंने अभी उदाहरण लिया था कि 32 में 2 का भाग देने पर 16 आते हैं और 32 में 2 का गुणा करने पर 64 आते हैं, तो दूसरे 16 64 से कितना हो गया, 4 गुना संख्या हो गई, कितनी हो गई, 4 गुना संख्या हो गई। तो इसलिए उन्होंने दूसरे नरक से अलग ग्रुप यहां पर बनाया था। ये बात अपने हो गई थी 21 स्थान हो गए। अब थोड़ा अपने स्वर्ग में चले, नरक में बहुत देर तक रहना अच्छा नहीं है, चलो स्वर्ग में चलते हैं। स्वर्गों के अंदर हमारे स्वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, शिक्षा जी आप भी बोलिए, तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, 4 प्रकार के देव होते हैं। शिक्षा जी ठीक है, आप बोल सकते हैं, यस और नो? जी सुन रही हूँ। भवनवासी, व्यंतर, वैमानिक, ज्योतिषी और ये। भवनवासी तो नीचे ही रहते हैं, है ना, अपने अपनी जो पहली पृथ्वी उसका नाम है चित्रा पृथ्वी, उसके खर, पंख और अब्बुल भाग है। अब्बुल भाग के अंदर प्रथम नरक है, चित्रा पृथ्वी का पहला भाग है खर और पंख, ठीक है ना। तो उन्हें खर भाग में 10 प्रकार के भवनवासी, 9 प्रकार के और एक असुर कुमार के जो है वो दूसरे भाग में खर पंख भाग में रहते हैं। तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक 4 प्रकार के देव होते हैं। ये अपन ने बहुत बड़ा निकाय में पढ़ा, 4 प्रकार के निकाय की बात अपन ने पढ़ी है। अब इनमें देवों में गुणस्थान कितने होते हैं, 1 से 4 गुणस्थान होते हैं। तो भवनवासी में भी 2 गुणस्थान होगा, 3 गुणस्थान होगा, 4 गुणस्थान। मैं पहले गुणस्थान को क्यों ले रहा हूं कि आज की अपने स्वाध्याय चल रही पल्ले के नीचे के, करना तो आगे से था, शुरू तो मैंने कहा था कि 300 से आगे करेंगे, लेकिन हमारे प्रवीण जी ने कहा कि हमको स्पष्ट करना है, तो पूरी स्वाध्याय इसमें अभी तक वही चल रही पल्ले के नीचे की। तो भवनवासी के दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान है। पल्ल माने क्या? हाँ, पल्ले अपन नहीं बोलते, पल पल में जीवन बीता जा रहा है, मतलब क्या होता है, समय बीतता जा रहा है, नहीं बोलता पल 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 में समय, हर पल अपना जीवन, मनुष्य भाव का ये जीवन निकला जा रहा है। अब वो पल किससे संबंधित किया अपन ने, वो बन गया ऐसा, उसको बोलते हैं समय की यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट ऑफ टाइम, जैसे सेकेंड, मिनट और घंटा, दिन, ये सब मेजरमेंट यूनिट है, किसके टाइम की मापने की इकाई यूनिट है। जिना गम में और बड़े, क्योंकि अनंत काल बीत चुका है, अनंत काल बीतेगा तो बड़ी बड़ी टाइम की यूनिट बताई है, तो बहुत 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 बड़े, मतलब करोड़ों 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 में गुणा करें, इतने घंटे इतने दिन करें तो जाके कितना होगा, पल्ले आएगा। ये पल्ले की इकाई यूनिट है,
टाइम के मेजरमेंट की यूनिट है, बस इतना मुझे यहाँ पर बताना था। ठीक है, अब भवनवासी में भी हमारे चार गुण स्थान होते हैं, दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान को लेना है, व्यंतर में भी दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान को लेना है, और ज्योतिष में दूसरे तीसरे गुण स्थान को लेना है। भवनत्रिका एक ग्रुप बनाएंगे यहाँ पर, कौन सा बनाएंगे, भवनत्रिका एक ग्रुप बनाएंगे, और इनके तीनों तीन के तीन गुण स्थान तो कितने हो गए, नो बोल तो स्थान इन्हीं के हो गए, किसके हो गए, भवनत्रिक के हो गए, बड़े आगे 21 नरक के थे, भवनत्रिक के कितने हो गए, नौ हो गए, बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है, 21 और 9 कितने हो गए। अब अपन चलेंगे वैमानिक देवों में, वैमानिक देवों के दो भेद होते हैं, कल्पवासी और कल्पाती। कल्पवासी में 16 स्वर्ग है, सौधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांता कापिष्ठ, शुक्र महाशुभ, शतार सहस्रार, आनंद प्राणत, आरण और अच्युत। आचार्य ने सौधर्म ईशान जब प्रथम नरक को निकाला था वहां पर सौधर्म ईशान का एक ग्रुप बनाया, दूसरे से लेकर पहले तीसरे स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक का एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर द्रव प्रमाण अनुक्रम में, हाँ कुछ बीच में आया था बात, अपन बात कर रहे हैं 16 स्वर्ग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 16 स्वर्ग की। अब जैसे अपन ने नारकियों में दो ग्रुप बनाए थे, पहली प्रति और दूसरी से सातवीं प्रति दो ग्रुप बनाए थे, नरकों के अंदर भी दो ग्रुप बने, कारण भी लगभग वही है कि प्रथम नरक की प्रथम स्वर्ग का युगला कौन सा, पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग सौधर्म ईशान, इनमें रहने वालों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए उसका अलग ग्रुप बना, और तीसरे स्वर्ग से लेकर आगे के स्वर्ग का अलग ग्रुप बन गए। ये बात अपने को हो गई। तो अपन ने सौधर्म के भी अपन कह रहे हैं कि दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान, इनके अवार काल और इनके द्रव्य ये कहां आएंगे, पल्ले के नीचे आएंगे, ये बात अपने को देखने का, दूसरा तीसरा चौथा गुण स्थान के आगे तीसरे स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक जो 5 युगल है इनके भी अवार काल और द्रव्य पल्ले के नीचे आएंगे। इसके अलावा 13वां स्वर्ग, 14वां स्वर्ग, 15वां, 16वां और 9 ग्रेवेक इनके भी अवार काल, इनके इनके मिथ्या दृष्टि के, इनके मिथ्या दृष्टि के भी अवार काल और राशि पल्ले के नीचे आएगी। बोलो भगवान महावीर की जय। चलिए मध्य मंगलाचरण कर लीजिए मुग्धा जी, एक मिनट करती हूँ। भवनेषु सत्तपोभिः बाहत्तरि लख होन्ति जिनगेह भवनामरिन्दवनिया भवनसमातानि वन्दामि। चारो बोलो। हाँ बोलो ना। सिंसयजोयनानं कदिहिदपदरस्तसंखभागमिदे भौमानं चिदकेहि गणनातिदेनमं सामी बेशदच्छप्पन्नंगुल कदिहिदपदरस्तसंखभागमिदे जोयिसजिनिन्दगेहि गणनातिदेनमं सामी चुलसिदिलक्कव सत्ता नौदी सहस्ये तहेव तेवीसे सौवे विमान समगे जिनिंदगे हे नमम सामी। उषा दोषी मध्य मंगला चरण तो मध्य में होना चाहिए और अभी तो मध्य हुआ नहीं है, तो अभी क्यों किया मैंने, क्यों बोला, कौन बताना चाहेगा। प्रीति जी भी सोच सकते हैं कि मैंने इस समय यहाँ पर जो विषय चल रहा था कि हमारा विषय चल रहा था ज्योतिषी भवन व्यंतर स्वर्गों को चल रहा था, तो मैंने कम से कम अपन रास्ते में चलते चलते इन देवों में जो अकृत्रिम चैतन्य है उनमें विराजमान जिन बिंबों को तो नमस्कार कर ले। क्या राजेंद्र भैया मतलब अपन ने स्वाध्याय में भी ध्यान रखा कि अपन ज्ञान की यात्रा कर रहे हैं,
अरे हम सोनागिरी जाएंगे और यात्रा में बीच में कोई चंदा प्रभु की कोई टोक आ गई या मंदिर आ गया तो हम नमस्कार करते हैं कि करते हैं आदर पूजन है। और ये भी यात्रा कर रहे हैं क्या? प्रीति जी जो पैदल यात्रा करते वही यात्रा होगी क्या? अरे ये भी यात्रा है, ये भी यात्रा है कि नहीं है? है तो ज्ञान की यात्रा में बीच में कृत्रिम चैतन्य आ जाए उर्मिला जी और आप नमस्कार नहीं करें कैसे हो सकता है? भाव यात्रा है, ज्ञान यात्रा है, बिल्कुल ज्ञान यात्रा है। इसलिए मैंने रोक के जो है क्या राजेश भैया, रणजीत भाई साहब, ज्ञान यात्रा में आप चैत्य वंदना कर रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है। तो चैत्य वंदना में चार बोले थे उन्होंने। सबसे पहले बोला था उन्होंने भवनवासी का, सबसे बोला था भवनवासी का। उसमें 7,72,00,000 अकृत्रिम चैतन्य है और उनमें विराजमान जिन बिंदु को नमस्कार किया गया। उसके बाद में उन्होंने किसको नमस्कार किया था? वैमानिक के 84,57,023, मतलब ये कौन से है? वैमानिक देवों के ऊपर के 84,57,023 अकृत्रिम चैतन्य है उनमें विराजमान जिन बिंबु को नमस्कार किया। फिर ज्योतिषी देव और व्यंतर देवों के चार दो देव बच्चे ज्योतिषी के, तो ज्योतिषी देव के कितने अकृत्रिम चैतन्य है कि जगत प्रतर को 256 के अंगुल के वर्ग से भाग देने पर, यानी कि जगत प्रतर को पनट्टी प्रमाण प्रतरांगुल से भाग दे दे तो जो जीव राशि आई उसमें फिर संख्यात का भाग दे दे उतने अकृत्रिम चैतन्य है और उनमें विराजमान जिन बिंबों को मैंने नमस्कार किया। आप पूजा में अर्घ भी चढ़ा सकते हैं उर्मिला जी, मतलब बिल्कुल बता रहा हूं ये आपके अकृत्रिम चैतन्य के जो बोले ना कि जगत पत्र को पनट्टी प्रमाण प्रतरांगुल से भाग देने पर जो संख्या आती है वो ज्योतिष देव की है और उसके कुछ संख्यात का भाग कर दे कि मतलब जैसे कि एक फैमिली के अंदर चार लोग होते हैं तो ऐसे चार लोग चार का भाग दे दिया कि जितने वो घर आए उसमें उस हर चार व्यक्ति के बीच में एक मंदिर है, मतलब एक घर में एक मंदिर और चार व्यक्ति रहते हैं तो इस प्रकार संख्यात का वहां पर भाग दी जाए। व्यंतरों का भी यही है कि जगत पत्र को भाग देना है, लेकिन किससे भाग देना है? 300 योजन के वर्ग से भाग देना है। यहां पर 300 योजन के वर्ग से भाग देना है तो उसको भाग देकर वहां के अकृत्रिम चैतन्य को हमने नमस्कार किया। ठीक है, अब हमने यहां पर यह तो देखा कि पल्ले के नीचे कौन कौन से स्थान आते हैं, यही बात मैंने चार्ट में बताई थी। मैं थोड़ा आपको उसी के साथ जो अपन ने पढ़ा ना अभी कोशिश की थी मैंने, ये देखिए मैंने क्या लिखा यहां पर, देव गति, तिरंज गति, नरक गति और मनुष्य गति। मनुष्य गति को मैंने व्हाइट कर दिया क्योंकि मनुष्य गति के स्थान अपन ने पहले ले चुके और अपर्याप्त की अभी बात नहीं कर रहे, वो पल्ले के आगे की। हम कहां तक ले रहे? पल्ले के नीचे तक के स्थानों को गिनने की बात की थी। देखो मैंने ऊपर देव गति से शुरू किया कि अपने पता लगे देव में कितने स्थान है, तिरंज में कितने स्थान है और नरक में कितने स्थान है जो पल्ले के नीचे आते हैं, इसलिए मैंने 3 लाइन अलग अलग खींच दी। ठीक है ना, अब जब अपन देव की बात करते हैं राजेश भैया, मतलब अपने बताना तो मैंने स्वर्ग को लिया तो कौन सा है यहाँ पर? दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, 12वें स्वर्ग, ये सब यहाँ पर ज्योतिषी भवन व्यासी व्यंतर ये आ गया। ठीक है ना, और उसके बाद में जो है ना 13वें 14वें स्वर्ग के मिथ्या दृष्टि, 1 मतलब मिथ्या दृष्टि, 4 मतलब उनका चौथा गुण स्थान, 3 मतलब उसका तीसरा गुण स्थान, उसका दूसरा गुण स्थान, और यहाँ पर तो केवल 3 ही आएंगे, 432 ही आएंगे। कितने आएंगे? 432 ही आएंगे। अब आप देखिए जब तिरंज गति में आए तो मैंने कौन सा बोल लिया? तिरंज गति के दूसरा गुण स्थान, तीसरा, चौथा, मतलब 5 गुण स्थान होते हैं तो 4, 3, 2, 5 इन दोनों के अवार काल ले लिए और उनके गुण स्थान ले लिए। तो तिरंज गति जैसे मैं नरकों में 21 लिए थे, है ना, नरकों में कितने लिए थे? 7 या 21, लेकिन 21 के हम लोग लेने पड़ेंगे 42 क्योंकि अवार काल भी लेना पड़ेगा और राशि भी लेनी पड़ेगी क्योंकि सब वहां पर आ जाएंगे। अभी रुक जाते हैं अपन, तो इसी तरह से तिरंजों के कितने लिए? 4 गुण स्थान, 4 गुण स्थान के अवार काल और उनके जो है राशि ले लिए। ये सब चीजें वहां पढ़ने में आएंगी, आप इसको स्पष्ट इस पढ़ेंगे ना तो इसको स्पष्ट हो जाएगा। नरक गति में कैसे लिए? ये 7 पृथ्वी दिखाई और उनके 7 या 21 बोल ले लिए। नरक गति का अपने को थोड़ा सा बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, लेकिन यह कि नरक गति में लेने पर आपको वहां के जो है अवार काल को भी लेना, मतलब जो 12वां वर्गमूल, 10वां वर्गमूल और इसको भी लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने चार्ट बताया था, इससे सिर्फ ये होता है कि पल्ले के नीचे के कितने स्थान है उसका अपन ने एक सामान्य भास कराया था। ऐसा करते हैं आज मैंने जो पल्ले के नीचे बनाया ना आप लोग फिर से पढ़ने का कोशिश करना घर पर, और नहीं आए तो कल उसको पूछना। थोड़ा सा हमारे जो अशोका जी का मेरे पास आ गया है,
ये सब विषय को आगे तो बढ़ाइए। तो मैंने कहा अशोका जी की बात तो कैसे, हमारे क्लास के रीडिंग मॉनिटर है तो करिए करिए। पेज नंबर 300 में पढ़ लेके आगे के साथ पंडित जी, उस चार्ट में जो एक दो तीन और चार जो आरण्य अच्युत्य और ये स्वर्गों का बताना ना, वो नहीं मुझे समझ में आया था। हाँ मैं फिर से बता दूं, गुणस्थान का है वो। देखो ये जो ऊपर जो मैंने ब्लैक बॉक्स में लिखे तो गुणस्थान में, नीचे नोट भी डाला है हमें। देखो 4-3-2, 4-1-4-4 ये गुणस्थान का क्रम बताता है, ये नीचे लीजिए होता ना जिसे। और आपने आनंद प्रणत में 4-1-3-2-1 क्या है कि आनंद प्राणत नवग्रह के पहले चौथे गुणस्थान को लेते हैं, फिर उनके जो है ये जो है अनुदिश और अनुत्तर के एक गुणस्थान को लेते हैं, उसके बाद तीन को लेते हैं और दो को लेते हैं। तो इस प्रकार से जो गुणस्थान लेते हैं ना उनको लेते हैं। यहां पर देखो एक छोड़ नहीं समझ आया, जहां पर 4-3-2-1 लिया मतलब गुणस्थान है, है ना, जहां पर 432 लिखा मतलब एक साथ उस स्थान के चौथा भी लेना, तीसरा भी लेना, दूसरा भी लेना, फिर आगे बढ़ना। ये कब तक चलेगा? 12वें स्वर्ग तक चलेगा, उसके आगे ये नहीं चलेगा। इसका एक कैसे बनाया कि जब हम अल्पबोध पढ़ते हैं ना तो लगातार बोलते हैं कि पहले उससे चौथे सैयद का है, उससे अधिक सम्यक मिथ्यात्व का है, उससे अधिक सासादान का है, मतलब वो 432 ले रहे हैं। और जहां पर कहते हैं केवल सैयद का है उससे आगे दूसरा मार्गणा के भेद पर चले गए तो 4-3-2 मतलब जो गुणस्थान को लेते हैं वो लेते हैं, ठीक है ना। इतना जरूर आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ये जो है ना ये यहां जो लिखा है अनुदिश 4 अनुदिश और अनुत्तर में ये नहीं आएगा, ये अच्छा ये ऊपर वाला बोले, ये अनुदिश वाला इधर का, ठीक है। तो यहां पर एक चीज और छूट गई, मैं कल और डालूंगा उसमें हाँ वो एक बोल छूट गया है। यहाँ पर दो बोल छूटे हैं जो मैं आपको कल वापस डाल के बताऊं, कौन सा छूटा बताऊं मैं आपको, आप लोगों ने देखा नहीं बताना चाहिए। सोधर्म ईशान का छूट गया है क्योंकि अपना 14 बोल है सोधर्म ईशान की विष्कम्भ सूची है ना, और 209 बोल है सोधर्म ईशान के मिथ्या दृष्टि जीव राशि जहां पर विष्कम्भ पड़ रही है, दो तो वो छूट गए, ठीक है छूट गए ना। और हाँ सर्वार सिद्धि के नहीं छूटे, सर्वार सिद्धि के संख्यात में ले लिए, छूटा कुछ नहीं है उसमें। जो अपन दिखा रहे ना अपन ने जो अभी वासना की उसमें सबको बराबर गिना, अपन ने सोधर्म से बात की है, अपन ने अभी ली है वहां पर जो है लिखने में मेरे को उसमें वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। आप लोग भी उसको देखिए ना क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सा गुणस्थान आता है ये बात बता रहे। प्रवीण जी का प्रश्न क्या था कि 4-3-2 का क्या मतलब है कि गुणस्थान को लेना, मैं लिख सकता था वहां चौथा गुणस्थान लेकिन क्या चार्ट में जगह बहुत बन जाती है तो मैंने उसको नीचे लिख दिया था कि 4-3-2 का अर्थ क्या मतलब गुणस्थान का नंबर है, नीचे मैं लिख दिया था। नहीं तो फिर चार्ट जो ना फिर वो वक्र बन जाएगा, सरल नहीं बनेगा वो मतलब उसकी स्थिति में, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। रेड बॉक्स बनाए थे ना वो छोटे बड़े बनाए थे इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, बाकी आगे आप समझ लें, ठीक है। हाँ नहीं कोई बात नहीं उसको करेंगे, पर अच्छी बात है ना, इसको और करेंगे ना सब। ये तो ड्राफ्ट ये चार्ट सिर्फ ड्राफ्ट बनाए क्योंकि जब बनाते हैं ना तो मैं पुस्तक को देखता हूँ सामने, जो जितना मेरे को पढ़ता हूँ बंद कर दिया पुस्तक बंद कर दिए। अब जैसे मैंने आज बोला आज आपको तो अभी कहा अपन ने पुस्तक कहा देखी, लेकिन उससे अपना स्पष्टीकरण आता है। और मैंने चार्ट देख के बता दिया कि चार्ट में मैंने सोधर्म ईशान को 14 नंबर का बोल और कौन सा बोल लेना है अपने को 209 नंबर का बोल लेना है। इसका मतलब क्या कि पल्ले के नीचे के स्थान कहां से शुरू होते हैं, सोधर्म ईशान के अवार काल से शुरू होते हैं और कहां समाप्त होते हैं कि सोधर्म ईशान की राशि को समाप्त, कौन से गुणस्थान के, दूसरे तीसरे और चौथे गुणस्थान के, है ना, दूसरे तीसरे राशि भी उसी की आएगी, दूसरे तीसरे गुणस्थान के राशि को आएगी। वैसे नीचे छूटे नहीं है, वहां लिख दिया मैंने अनुलोम प्रतिलोम क्रम से लेकर वहां तक ले जाना चाहिए, वहां लिखा सही है, मतलब एक तरह से लिखा भी है और छूटे भी नहीं है क्योंकि आप ऊपर देखेंगे तो मैंने वहां पर लिख दिया चार्ट में कि अनुलोम क्रम से 14 से लेकर यहां तक के अवार काल और नीचे एरो बनाकर मैंने लिख दिया है तो वहां पर उसमें गिन लिए गए। देखो यह गिने कैसे गिने बता दो, अभी मैंने ध्यान दिया, ये देखो यह लिखा ऊपर लिखा मैंने ऊपर ये नीचे प्रतिलोम क्रम से 112 से लेकर 209 तक, तो 209 सोधर्म ईशान का आ गया, और ऊपर लिखा 4 से 111 का, तो 4 का स्थान कौन सा होगा, सोधर्म ईशान का। तो कोई स्थान चार्ट में छूटा नहीं है, सिर्फ आपको लिखना कि कहां पर क्या लिखा है,
क्योंकि अपन ने ऐसे लाइन में अपन ने यू बनाया ऐसे, पहले अवार काल गए फिर उसका उल्टा आ गया तो ऐसे बनाया। आप सुनिए यू कैसे बनाया मैंने, इन स्थानों को बनाने के लिए सरल से एक बात तो है कि अपन तो भगवान के आगे सब छोटे छोटे बालक ही है, इसलिए आपको तो बच्चों की तरह से पढ़ना पड़ेगा, मैं तो ऐसे पढ़ता हूँ आपको बता दे ड्रा है, तो ऐसे याद किया ये लाइन किया, ये अवार काल की लाइन आ गई। अब इसका तो क्या किया, ये यहाँ छोड़ दिया, अब यहां से वापिस गए, अब ये रिटर्न हो गए, ये यहां से रिटर्न हो जाएंगे, ये ऐसे लाइन गया। इसको मतलब क्या हो गया, उल्टा यू बना दिया, यू बनाया, यू बनाया, ये ऐसे यू बनाया था और उसको फिर अपने घुमा दिया, ठीक है ना। अब ये सारे स्थान कहां से है अशोका जी, अवार काल के, और जो ये स्थान है उसी के नीचे उल्टा नीचे आ जाएगा, बिल्कुल नीचे आ जाता, ठीक है ना। तो ये सोदर मेशान का था 4 नंबर का, तो ये 200 नंबर का 10 का स्थान आ गया, तो 4 के नीचे ये, 4 के नीचे ये, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, बराबर वो का वही स्थान जो आपको चलेगा, दिखने के लिए चलेगा, तो सभी स्थान बनाएंगे इस तरह से। इसको बनाए मैंने, ये सारे स्थान किसके है, अवार काल के, ये सारे स्थान जो थे वो अवार काल के थे, अवहार काल। और ये स्थान कौन से थे सारे, द्रव्य कह दो, द्रव्य कहो, राशि कहो, जीव राशि कहो, कुछ भी कहो, उनका प्रमाण का ये बात है। और इसमें एरो कैसे बनेगा, इसका एरो से बने, आप लोग बना सकते हैं, बताए हमारे प्रवीण जी भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये एरो कहाँ पर है, इसमें ये 2 एरो आ गया, एक तरफ का एरो ये ऐसे जाना था, मतलब इधर वाला एरो था, और यहाँ पर एरो यहाँ भी लगा सकते हैं, तो इस प्रकार से अपन इसको बना सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर एक लाइन खींच दी मैंने, क्यों खींच दी यहाँ पर लाइन आप बताओ, क्योंकि हमें बताना है कि पल्ले, यहाँ पल्ले के नीचे के स्थान लिखाने, लेकिन कितने देवगति के संबंधी है, तो मैंने कहा यहाँ जो अपन देवगति वाले लिख देते हैं, यहाँ पर पहले एक लाइन खींच दी, तो यहाँ पर देवगति का लिख दिया, फिर नीचे किसका किया 3 इंच का लिख दिया, फिर नरक का लिखा, फिर मनुष्य का लिखा। आप कहेंगे कि देव के नीचे आपने 3 गति क्यों लिखी, उसके नीचे आपने नरक गति क्यों लिखी, उसके नीचे मनुष्य गति क्यों लिखी, उसका कारण क्या है, उषा दोषी कल बताया था, कठिन प्रश्न आपसे पूछूंगा ताकि दूसरे सब सोचने का मौका लगे, आप चिंता मत करिए। क्यों बोला था, हमने कल देव गति का अल्पभूत बताया था, हमने किरण भाई साहब को बताया था सबसे ज्यादा कौन है, देव है, उससे कम है 3 इंच है, उससे कम कौन है कि उससे नरक की जीव है, उससे कम मनुष्य। अशोक जी मतलब जो बनाते ना, जो अपने को ध्यान में हो, क्या हुआ ये बहुत बड़ा अल्पभूत आ गया, 270 का अल्पभूत है, कल बताया 270 उषा बताया था, वो क्या है उन्होंने 270 बताया और एक्चुअली है 269, तो आपके उन्होंने 270 कैसे बताया, उन्होंने समस्त जीव राशि का भी बोल ले लिया, आचार्य ने अंतिम बोल किसका बनाया यहाँ पर, एकेंद्रीय और विकल्प रहेगा, वो कौन सा बोल है 269, तो आचार्य ने क्यों नहीं लिखा कि उससे अधिक समस्त जीव राशि है, विशेष अधिक है, अपन लिख सकते हैं, तो देखो भाई लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, क्योंकि एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय से अधिक कौन है कि समस्त जीव राशि है, सिद्ध तो पहले आ ही चुका था, है ना, लोक के बाद में सिद्ध आया था, सिद्ध के बाद में अपने ये आ गया था। फिर मैंने सोचा कि वीरसेन आचार्य ने क्यों नहीं लिखा, मैं उषा दोषी में आपसे पूछता हूं कि आपने 270 में लिया जीव राशि को, ठीक है ना, लेकिन वीरसेन आचार्य ने क्यों नहीं लिया, लेना गलत नहीं है क्योंकि उससे अधिक जीव राशि पर क्यों नहीं लिया, ये बात कहां से बताना, हिंट देता हूं, लाइफलाइन देता हूं, हमारा विषय क्या चल रहा है, चतुर गति अल्पभूत, चतुर गति संबंधी अल्पभूत, हाँ, तो वो समस्त जीव राशि में तो सिद्ध गति आ गई कि नहीं आ गई, आ गई, और उनको 4 गति का ही बताना था। अब आशा बहन का प्रश्न आया कि आपने तो लोक के बाद में तो लिखा कि उससे अनंत गुणे सिद्ध है और उसके बाद एकेंद्री लिए, तो फिर उसको जब सिद्ध सिद्ध भगवान को ले लिया तो समस्त जीव को क्यों नहीं लिया, कि भाई सिद्ध भगवान का बोल लेना हमारी अल्प बहुत की जरूरत थी, कि उसके बिना मैं एकेंद्री पर कैसे आऊं, मुझे अल्प से बहुत पर जाना था, वो जरूरी था, वहां सिद्ध भगवान को याद करना मुझे बहुत जरूरी था, कि मुझे जाना था निगोद्या जीव पर, और निगोद्या जीव से
पहले कौन आता कि सिद्ध होते हैं, कि सिद्ध जितने अनंत है उससे ज्यादा निगोदिया बड़ी है, तो अल्प होते उसको निशान तो देना ही पड़ेगा। आप समझे समझे, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आपने ड्राइवर को इनवाइट तो नहीं किया था, लेकिन ड्राइवर को खाना क्यों दिया, कि देना पड़ेगा ना, गाड़ी चलाएगा कौन, गाड़ी कौन चलाएगा, आपने खाने पर सबको ले गए राज में, तो ड्राइवर को भी खाना खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, राज में तो पहले ड्राइवर को पहले देते हैं कहता है ड्राइवर को खाना देंगे, क्यों देंगे, तो जिसकी जरूरत होगी उसको करना पड़ेगा। मेरा यहाँ पर यह बात है कि यहाँ पर चार गति का मैंने बहुत सोचा कि हर जगह समस्त जीव राशि का अल्पबोध आता, हर जगह आता है। मैं क्या कह रहा हूं प्रीति जी, एक शब्द भी यहाँ पर वीरसेन आचार्य का अगर आप सोचे क्यों है, अपन तो कहते क्यों क्यों नहीं लिखा है, अरे अरे भूल गए होंगे, या भाई ज्ञान का विषय नहीं है, शैव शब्द का ज्ञान का विषय, ऐसा नहीं है। वीरसेन आचार्य जैसे अमृतचंद आचार्य अध्यात्म के बहुत अच्छे टीकाकार थे, जैसे अपने पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि की टीका लिखी, जैसे अष्ट सहस्त्री अपने वो लिखी है, अकलंग देव ने अष्ट शती लिखी, ये ऐसी महान टीकाओं के सम्मान हमारे वीरसेन आचार्य हो गए बहुत। एक जगह भी उनकी कोई बात ऐसी नहीं होती है कि जिसका कोई प्रयोजन नहीं। वो इंद्रिय मार्गणा चल रही है तो इंद्रिय मार्गणा की बात करेंगे, काय की नहीं करेंगे, उसकी नहीं करेंगे, बहुत सावधानी रखते, बहुत सावधानी। आज हम समझने का ही प्रयास कर रहे हैं, आगे तो पढ़े पढ़िए अशोका जी, आज आपको कम नंबर मिलेंगे, आज आपने क्लास को आगे नहीं बढ़ाया सर आपकी आज्ञा होगी जरूर बढ़ा देंगे। हाँ बड़ी बढ़ाए पल्ली पंप से लेना है ना सर, पल्ली पंप से लेना, 300 पेज पर है जी, लाइन नंबर बोल दीजिए इनको, लाइन को ताकि सब, पेज नंबर 300 1 2, पीडीएफ का पेज बोल दे, पीडीएफ का पेज है 342, पीडीएफ का पेज 342 है, पेज नंबर 300 है और 10वीं लाइन है, पल्लुपम से सौधन में ईशान कल्प के मिथ्या दृष्टियों की विषम्भ सूची असंख्यात गुणी है, गुणकार क्या है, सूचांगुल के प्रथम वर्गमूल का असंख्यातवा भाग गुणकार है, जो सूचांगुल के असंख्यात द्वितीय वर्ग प्रमाण है, वे असंख्यात द्वितीय वर्गमूल कितने हैं, सूचांगुल के तृतीय वर्गमूल के असंख्यातवे भाग मात्र हैं, प्रतिभाग क्या है, पल्लुपम प्रतिभाग है, सौधर्मादिक की मिथ्या दृष्टि विष्कम्भ सूची से मनुष्य अपर्याप्त अवहार काल असंख्यात गुणा है, गुणकार क्या है, सूचांगुल का द्वितीय वर्ग मूल गुणकार है, मनुष्य अपर्याप्त अवहार काल से नारक मिथ्या दृष्टि विष्कम्भ सूची असंख्यात गुणी है, गुणकार क्या है, सूचांगुल का तृतीय वर्ग मूल गुणकार है, नारक मिथ्या दृष्टि विष्कम्भ सूची से भवन वासियों की मिथ्या दृष्टि विष्कम्भ सूची असंख्यात गुणी है, गुणकार क्या है, नारक मिथ्या दृष्टि विष्कम्भ सूची गुणकार है, भवनवासी मिथ्या दृष्टि विष्कम्भ सूची से पंचेंद्रिय त्रियंच मिथ्या दृष्टि अवहार काल असंख्यात गुणा है, गुणकार क्या है, सूचांगुल के प्रथम वर्गमूल का असंख्यातवा भाग गुणकार है, पंचेंद्रिय त्रियंच मिथ्या दृष्टि अवहार काल से पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्तों का अवहार काल विशेष अधिक है, कितने मात्र विशेष अधिक है, आंवली के असंख्यातवे भाग से पंचेंद्रिय त्रियंच मिथ्या दृष्टियों के अवहार काल को खंडित करके जो एक भाग लब्ध आवे तन मात्र विशेष से अधिक है, पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्त अवहार काल से पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल असंख्यात गुणा है, गुणकार क्या है, आंवली के असंख्यातवे भाग का संख्यातवा भाग गुणकार है, पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्त अवहार काल से देव मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल संख्यात गुणा है, गुणकार क्या है, संख्यात समय गुणकार है, रुकेंगे एक मिनट, जब अभी पढ़ रहे हैं अशोका जी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोगों को लग रहा है कि हम पढ़ ही रहे हैं, है ना, और वास्तव में क्योंकि इस तरह से पढ़ने से विषय स्पष्ट नहीं होता है, है ना, इस बिल्कुल नहीं हो पाता, क्या होता है कि हमारे ज्ञान में ऐसे बोल हैं, ऐसे बोल आ रहे हैं कि वो अपन समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं इसको समझाऊंगा,
लेकिन क्या होता है, मैं समझा कर जब बढ़ता हूं तो आप बोलते हैं कि आपने वासना नहीं की, ये छूट गई, तो आप पहले वासना कर लेते हैं और फिर अपन समझाएंगे, तो मेरे को जो है ना दोष नहीं लगेगा, नहीं तो आप कहेंगे कि आपने वासना करना छोड़ दिया है। लेकिन वास्तव में मुझे देखा जाए तो जैसे मैंने आपको पल्ले के नीचे के समझाए थे, ऐसे ही मुझे पल्ले से लेकर जगत श्रेणी के बीच के समझाने और फिर जगत श्रेणी से जगत प्रतल के बीच के समझाने, ऐसा कैसा चार्ट, और आज मैं उसका बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। लेकिन आप देखो कि ये विषय जो है ना, आप सभी से बोल रहा इतना कठिन विषय चल रहा है कि ये तो आप लोगों की हिम्मत है कि आप लोग ऐसे स्वाध्याय कर रहे हैं, नहीं तो इतना कठिन विषय को केवल वासना तो होगी लेकिन समझने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वासना वासना तो हो जाएगी, पहले तो वासना ही बहुत कम होगी, वासना भी होगी तो मतलब जैसे कि ध्रुव तारा है ना, तारा में एक तारा ध्रुव तारा, तो जब ऐसी वासना होगी, लेकिन समझने का प्रयास तो ऐसा लगेगा कि बहुत बहुत है। आज बताओ प्रीति जी, हमने पल्ले के नीचे के आपको समझाए और दो लाइन में बता दिए तो आपको समझ में आ गए कि नहीं आ गए, बाकी तो विशेष था क्या राजेश भैया, इसको अपन कहते हैं लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, डीप लेवल पर जाना, मतलब हेलीकॉप्टर व्यू से नीचे आना, धीरे 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 नीचे आना, दो लाइन से किया। और ये मैंने बोला कि भाई नरकों के साथ के 21 हो गए और 21 में अवार काल को भी लेना और उसको भी लेना तो 42 हो गए, तो कितना जल्दी और स्पष्ट हो जाता है। अब जो अशोका जी पढ़ रहे हैं ना, आवलिका संख्या दो भाग है, प्रतिभाग क्या है, गुणाकार क्या है, ये जो पढ़ते हैं ना, इसके अंदर हमारे जो ना हम बिल्कुल हमारी बुद्धि अलोकाकाश में चली जाती है, नहीं नहीं जाती है, लेकिन उसका बताना कैसे है, उसको समझना कैसे है, उस समझने की कला मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे सातवीं पृथ्वी का देखो, इसको समझने की कला समझो प्रवीणा जी, तो आपको ये विषय बहुत अच्छा लगेगा। पहली बात तो आप क्या करें, पल्ले से जगत श्रेणी के बीच के वाले स्थान ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जिनका अवार काल, जिनकी विषकंभ सूची जगत श्रेणी से तो कम है, तीन चीज लेना, अवार काल, विषकंभ सूची और द्रव्य। पल्ले पर अपन ने अवार काल और द्रव्य लिया था, विषकंभ सूची नहीं लिया था, क्योंकि विषकंभ किसको कहते हैं, चौड़ाई को, और जब चौड़ाई की बात करते हैं तो वो क्षेत्र की यूनिट होती है, लेंथ, वेट, हाइट, ये क्या होता है, मेरा कमरा 10 फीट का चौड़ा है, 15 फीट लंबा है, इतनी ऊंचा है, तो लंबाई वेट की कहां बात करते हैं अपन, क्षेत्र की यूनिट में, और जगत श्रेणी कौन सी है, क्षेत्र की इकाई की यूनिट है। तो पल्ले से आगे जितने भी जाएंगे क्षेत्र की बात करेंगे, तो यहाँ अवार काल भी आएगा, यहां पर विषकंभ सूची भी आएगी और यहाँ पर द्रव्य राशि भी आएगी। तो हमको ऐसी संख्या को याद करना है जिनका अवार काल या विषकंभ सूची जगत श्रेणी से कम है और पल्ले से अधिक है। हमको ऐसे द्रव्य को लेना है जिनकी संख्या जगत श्रेणी से कम है। आज की स्वाध्याय में मैंने बताया था, आप लोग कितना अटेंटिव सुनते हैं, ऐसी कौन सी द्रव्य राशि है जो हमारे बहुत हमारे जाति की है और वो जगत श्रेणी से कम है और उसका स्थान इस पर आएगा, राशि का पर्याप्त मनुष्य, अपर्याप्त, बहुत बढ़िया राजेश भैया, बहुत अटेंटिवली सुनते हैं, बहुत अच्छा, अगर इतना मतलब बहुत प्रसन्नता हो रही है राजेश भैया, आपने जितना अपना ये लौकिक में भी बहुत अच्छी पोस्ट पर है, बहुत अच्छा है इनका, लेकिन उन्होंने इसको पकड़ लिया है, इन्होंने करना नियोग के विषय को पकड़ लिया और कुछ नहीं सुन रहे हैं। मैंने आज बुलाया था कि पर्याप्त मनुष्य के स्थान कौन से है, क्या प्रवीणा जी को बहुत कठिन वाली बात नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको आप ये समझो कि हम तो बाल बहुत पाठशाला पढ़ रहे हैं, षटकंडा गम का स्वाध्याय बोले नहीं, षटकंडा गम का स्वाध्याय बाल बहुत पाठशाला पढ़ रहे हैं, बस आपको आराम समझ में आएगा। मैंने बोला मनुष्य के दो भेद के थे, पर्याप्त और अपर्याप्त। अपर्याप्त मनुष्य कितने हैं, असंख्यात है, पर्याप्त मनुष्य कितने हैं कि संख्यात है, उनके स्थान कहां से है कि 1 से लेकर 12 तक है, है ना, तो कहां पर आ गए, तो पहला कौन सा था, अयोग केवली का था, आखिरी कौन सा था कि मनुष्य नहीं का था, तो ये बताया था कि वो कितना है कि वो पल्ले के नीचे भी नहीं आएगा, वो स्थान कहा कि जगत श्रेणी के नीचे आएगा, वो किसके आएगा, जगत श्रेणी के नीचे जो है मनुष्य की असंख्यात की, बाकी जितने भी असंख्यात मनुष्य है ना वो सब चले जाएंगे। अच्छा चलो राजेश भाई, आप इतना अटेंटिवली पढ़ रहे हैं, आज अशोक जी ने पहली लाइन पढ़ी, पहली लाइन क्या पढ़ा, पल्ले के बाद में पढ़ा, और फिर किसका नाम आ गया, सौधर्मेश, आप देख सकते हैं ना बुक, अभी पढ़ा, अभी पढ़ा, पल्ले के नीचे का पढ़ा और किसका नाम आ गया, नारक मित्र दृष्टि,
हाँ नरक विद्या दृष्टि का आ गया, उसके बाद में और किसका आता गया, आ गया वनवासी, हाँ इनके आ गए। अब आप ये देखो कि उनका क्या आ रहा है, विष्कम्भ सूचि आ रही है कि अवार काल आ रहा है कि क्या आ रहा है? विष्कम्भ सूचि अवार काल है, हाँ अवार काल विष्कम्भ सूचि वरी आ रही है। अच्छा आपने एक नाम देखा होगा बीच में के देखा हो, वहां पर अब बात किसकी चल रही है, मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। मतलब आप जब आप पल्ले से ऊपर चल रहे हैं तो क्योंकि हमारे सम्यक दृष्टि जीव तो सब चले गए, पल्ले के नीचे रह गए थे, दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान और पांचवा गुण स्थान सभी का ले लिया था अपने तीनों गति का, तो अब क्या एक भी सम्यक दृष्टि ऊपर आएगा क्या? नहीं बस, हाँ तो ये ध्यान रखना है कि अब जितनी भी बात होगी वो किसकी बात होगी, अरे मतलब तीनों गति के, नरक गति के। अब सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, जैसे आज ने दो पॉइंट बनाया था कि पल्ले से लेकर जगत श्रेणी के बीच के स्थान कौन से हैं, किसके? मिथ्या दृष्टि जीव के। लेकिन आगे क्या लिखेंगे अशोका जी, उषा दोषी क्या लिखेंगे आगे? लेकिन 13वें स्वर्ग से लेकर 9वें ग्रह के मिथ्या दृष्टि की बात मत करना, क्योंकि वो हमने पल्ले के नीचे ले ली थी। उर्मिला जी को बिल्कुल समझ आ गया बात है ना, वहां पर अपने क्या लिया था कि सारे दूसरे तीसरे चौथे पांचों को लिए थे और 13वें से लेकर 9वें ग्रह तक के मिथ्या दृष्टि वाले लिए थे। यहां अपन क्या कह रहे हैं कि पल्ले से ऊपर कौन से स्थान ले रहे हैं, कि सारे मिथ्या दृष्टि को ले रहे हैं, लेकिन जिनको पहले खाना खिला दिया उनको थोड़े बिठाएंगे हम भाई, पहले बच्चों को बिठाया था, लेकिन दो चार जो काफी जिनको भूख लग रही थी बड़े लोगों को भी बिठा दिया, आप भी बिठा भाई साहब बहुत भूखे, कल आपका उपवास था आप लोग, या इनको ऑफिस जाना था, अपने यहाँ तो भूख वाले को तो कोई पूछता नहीं है, जिनको ऑफिस जाना होता राजेश भैया को जाना है कि राजेश भैया आप भी बैठ जाओ, बाकी अपन करेंगे बच्चों के साथ। अब बड़ों में किसको लेंगे, सारे बच्चों को छोड़कर जिन्होंने पहले खाना खा लिया उनको नहीं लेंगे, तो अपन ने 13वें गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान मिथ्या दृष्टि को छोड़ी। तो अब पल्ले से लेकर जगत श्रेणी तक कौन से स्थान आएंगे एक लाइन में बताना है, ये बालबोध पाठ वाला चल रही है। मैं बताता हूं 13वें स्वर्ग से लेकर 9वें ग्रह को मिथ्या दृष्टि को छोड़कर तथा मनुष्य गति के मिथ्या दृष्टि को छोड़कर इस दुनिया में जितने भी मिथ्या दृष्टि है उनके साथ हाँ, वो अब स्थान कहां से आएंगे, पल्ले से ऊपर के आएंगे, लेकिन इनमें से कुछ स्थान जगत श्रेणी के ऊपर आएंगे और कुछ स्थान जगत श्रेणी के नीचे आएंगे। तो जगत श्रेणी से ऊपर कौन आएंगे, हमारे ज्योतिषी देव आएंगे, व्यंतर देव आएंगे, भवनवासी, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जगत श्रेणी से ज्यादा है। प्रथम नरक के नारकी आएंगे क्योंकि उनको भी जगत श्रेणी से गुणा करके आते हैं। प्रथम नरक नारकी की संख्या कैसे निकालते, उषा दोषी, विष्कम्भ सूचि गुणा जगत श्रेणी, तो 32 में 2 का गुणा करेंगे तो 32 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, 32 जगत श्रेणी 2 का गुणा किया तो 64 आएगी। तो नारकियों की द्रव्य राशि कहां पर आएगी, जगत श्रेणी के आगे आएगी, लेकिन विष्कम्भ सूची कहां आएगी, जगत श्रेणी के नीचे आएगी। बस फिर से सुनना, हमने क्लियर होगा तो क्यों नहीं होगा, और क्लियर होगा, हाँ। लेकिन जब आप पढ़ रहे थे ना तो मैं सबको देख रहा था, सब कह रहे क्या हो गया ये, अरे अरे शटकंडा कम तो शैव शैव बढ़ाने का स्वाध्याय है, कर लो अवर्णवाद बैठे बैठे, जब आप पढ़ रहे थे अरे अरे क्या है शैवशम का, अपने तो प्रयोजन पुष्टि, हमने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशन पढ़ा है, एक ही लाइन पढ़ी मोक्ष मार्ग प्रकाशन में, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि चारों अनियोग कार्यकारी, ये नहीं पढ़ा वहां पर, मतलब वो 7वें अध्याय में मिथ्यात्व का सूक्ष्म अंश मेरी है वो कहके उसके बाद में 9वें के बीच में 4 अनियोग कार्यकारी है, मुग्धा जी वो बात किसी ने नहीं पढ़ी। अच्छा प्रोफेसर साहब लिखा नहीं कहा है, 7वां अध्याय का तो शुरू कैसे किया, अब मिथ्यात्व का सूक्ष्म अंश मेरी है उसकी बात करके ही शुरू किया, और इतना मिथ्यात्व निकाला और बोला कि 4 अनियोग कार्यकारी है, और उसको पढ़ने के बाद में, उसकी परीक्षा देने के बाद में, उसमें प्राइज जीतने के बाद में, इतने इतने पेपर भरने के बाद में भी अपने कह के शटकंडागम तो शैवशम बढ़ाने का कार्य है, ये देव शास्त्र गुरु के अवर्णवाद में मेरे ख्याल से, बाकी तो मुग्धा जी और प्रीति जी बताएंगे कि मतलब अवर्णवाद में आएगा कि नहीं आएगा। आपको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, किसी के सामने मत बोलो कि शटकंडागम शैवशम बढ़ाने का है, बल्कि उससे बोलो कि शटकंडागम का स्वाध्याय आप अवश्य करो। क्यों करो, क्योंकि हमेशा आत्मा का ध्यान नहीं हो पाएगा
48 मिनट तक हो जाएगा तो आप करेंगे। सुबह के टाइम पर बिल्कुल कर्ण नियोग अपने द्रव्य नियोग के स्वाध्याय होने चाहिए। कर्ण नियोग के स्वाध्याय का पढ़ने का टाइम तो दिन का है भाई, वास्तव में कर्ण नियोग के स्वाध्याय का टाइम तो कब का है, दिन का है। अभी अपन तो यही टाइम रखे, चेंज नहीं करेंगे। बता रहा हूं मैं कि आपको करना है तो दिन में 3 बजे से लेकर आप 4:30 बजे तक करो, आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। मतलब 2 बजे से लेके, मतलब जो ना एकदम खाना खाने के बाद में भी नहीं, 12 बजे 1:30 बजे नहीं, वो तो अपने समय का उसके बाद में नहीं, आप देखना है, मैं बता रहा हूं। तो अपनी बात चल रही है कि पल्ल से ऊपर के और जगत श्रेणी के स्थान कौन कौन से हैं, तो उसमें अपन ने ये बात तो अपन ने बताई दी कि इसमें सारे स्थान किसके होंगे, मिथ्या दृष्टि के होंगे, लेकिन आनंद प्राण से लेकर उनको नहीं लेंगे। दूसरा, अवार काल और विषकंभ सूची, जो जगत श्रेणी के नीचे नीचे वो सारी आ जाएंगी, जो राशियां नीचे वो सारी हो जाएंगी, लेकिन जो जो ऊपर की है, जो जो अवार काल और जो जो राशियां जगत श्रेणी से जगत प्रतर की है, वो बीच में है, और वो बीच में कम है, क्योंकि जगत जगत श्रेणी कहां पर आती है, कौन से नंबर पर आती है, जगत श्रेणी मैंने चार्ट में लिखा था 211 पर आती है, नहीं 211 पर नहीं आती, 211 पर तो अपना वो आ गया था, 255 पर आती है, हाँ जगत श्रेणी 255 पर आती है, बराबर 255 लिखा हुआ चार्ट में, 255 हाँ। क्या ये याद रखो, 210 पर क्या आ रहा था, पल्ले आ रहा था जी अशोका जी, हाँ, हाँ, पल्ले था, 255 पर क्या आ रहा है, जगत श्रेणी, और 266 पर आ रहा है जगत प्रतर, जगत प्रतर है ना। बस आप ये याद करो तो आपका थोड़ा सा स्थान क्लियर हो जाएगा, कि आप सिर्फ लिख लो 210 पर जगत पल्ल्य, 255 पर जगत श्रेणी, जगत श्रेणी, और 266 पर जगत प्रतर, तो 256 से लेकर 200 कितने तक, 65 तक, कितने 9-10 स्थान है, कितने स्थान है, 9-10 स्थान है जो जगत श्रेणी से ऊपर के। तो हमारा क्या होता है, परीक्षा में पहले इजी इजी प्रश्न कर लेते हैं, तो हम तो पहले क्या करेंगे, जगत श्रेणी से जगत प्रतर के पहले समझ लेंगे 9-10 स्थान, हमने पहले समझ लिए थे 14, फिर हमने पल्ले के समझ गए, फिर बीच में जो बचे हैं वो हो जाएंगे सारे जगत श्रेणी का जगत। एक तरीका ये भी अच्छा है कि कभी आप लोग को याद मतलब नहीं रहे, ऐसा करके आप करेंगे कि आपको चार्ट में लिखना है कि सबसे पहले लिखना संख्यात के 14 स्थान है ना, 13 स्थान, फिर लिखना पल्ले से लेकर अपने को पल्ले के नीचे तक के स्थान, उसके बाद पल्ले से लेकर जगत श्रेणी तक के स्थान, और जगत श्रेणी से लेकर जगत प्रतर के स्थान, और जगत प्रतर से ऊपर के स्थान, तो तीन अपन ने याद ही कर लिए कि तीन ही थे, सिद्ध राशि थे, एक केंद्रीय निगम विकेंद्रित थे, और समस्त जीव राशि अपन ले लेते, समस्त जीव राशि 3 स्थान ऊपर के ले लिए थे, और ये कितने स्थान हुए राजेश भैया, कितने हुए, 256 से लेकर 265 तक, कितने हुए, 7 हुए कि 6, 7 हुए, कितने हुए, 10-11 हो गए। तो अब मालूम है इसमें कौन से आएंगे, ज्योतिषी देव तो आएंगे ही आएंगे, सामान्य देव तो आएंगे ही आएंगे, व्यंतर देव तो आएंगे ही आएंगे, तीन तो ये हो ही गए, तीन तो हो गए, और तीन जो है ना, यद्यपि तिरंज अपन ने सम्यक दर्शन में लिया था तो सम्यक दर्शन में देव ज्यादा थे और तिरंज कम थे, लेकिन जब मिथ्या दर्शन में जाएंगे तो तिरंज ज्यादा और देव कम हो जाएंगे। एक ध्यान रखना, जब सम्यक दृष्टि की बात कर, जो मैंने अपने चार्ट बनाया था ना पल्ले का, तो पहले लिखा था देवगति, फिर लिखा था तिरंज गति, फिर नरक गति लिखा था, लेकिन जब यहाँ चार्ट बनाएंगे तो पहले चले जाएंगे तिरंज गति, तो यहाँ पर तिरंज में कौन से आएंगे, ये पंचेंद्रीय पर्याप्त तिरंज है, सामान्य वाले है ना, अपर्याप्त तिरंज और सामान्य तिरंज, ये तीन स्थान यहाँ आ जाएंगे। तीन स्थान कौन से आ जाएंगे, व्यंतर के आ जाएंगे, ज्योतिषी के आ जाएंगे, और सामान्य देव के आ जाएंगे, और मेरे ख्याल से भवनवासी के भी यहाँ पर आ जाएंगे, भवनवासी के भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे तो 10-11 स्थान अपने को एकदम के यहाँ के इजीली आ जाएंगे, क्योंकि ये आएंगे जगत श्रेणी से ना, बराबर, और जगत प्रतर से ऊपर कोई भी विषकंभ सूची नहीं है मेरे ख्याल से, जगत प्रतर से ऊपर किसी की नहीं आएगी, जगत प्रतर के नीचे नहीं चाहिए ये। तो एक बहुत बढ़िया बात है, जगत प्रतर से ऊपर के जो स्थान है
नहीं, जगत श्रेणी से जगत प्रतर के बीच की बात कर रहे हैं अपन, जगत श्रेणी से जगत प्रतर की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें अपने को आएंगे कौन कौन से विषकम सूची आएगी, ये इनकी आएगी, ज्योतिषी देव की, व्यंतर की, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि वो तो अंगुल और योजनों में है। हाँ हाँ, नहीं आएगी, जगत श्रेणी के नीचे ही अंगुल और योजन सब नीचे चले जाएंगे। और हमारे ज्योतिषी देवों का कितनी है अवार काल, कितना ज्योतिषी देवों का, पनट्टी प्रमाण पत्रांगुल है, 256 अंगुल का वर्ग है। और अंगुल कहाँ आता है, अंगुल तो को पल्ले के जितने स्थान आगे जाते हैं अंगल आता है, तो ये सब कहाँ चलाएंगे, जगत श्रेणी के नीचे चले जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, स्पष्ट हो गया विषय, तो स्पष्ट हो गया, क्या बोला मैंने, तो थोड़ा सा विषय जहाँ स्पष्ट होता है मुझे, वहां पर प्रीति जी एकदम ध्यान से सुनने लग जाते हैं और कहते हैं ये स्पष्ट मुझे नहीं हो रहा है ना। हम ये सोच रहे हैं कि ज्योतिषी देव और व्यंतर, इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है ना, इनकी संख्या, तो इनकी संख्या तो जगत श्रेणी से जगत पत्र के बीच में आएगी। लेकिन इनका जो अवार काल बताया था ना, अवार काल, तो ज्योतिषी देव का अवार काल बताया था 256 में 256 अंगुल का गुणा करें, तो आया कितना था, पनेटिपन प्रतरांगुल आया था ना, और प्रतरांगुल कहां पर आता है, दीर्घ पर गंधरा में, और जगत श्रेणी कहां आती है, गंधरा में आती है। तो इसका मतलब क्या है कि सब जगत श्रेणी के नीचे के स्थान है, मतलब ज्योतिष का अवार काल, व्यंतर देवों का अवार काल, ये सब किसके नीचे के स्थान है, जगत श्रेणी के स्थान है। मतलब अपन इससे सोचेंगे तो विषय स्पष्ट होगा, जो विषय आज स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो क्यों नहीं स्पष्ट हुआ, कि उसका स्पष्ट होने का क्रमबद्ध पर्याय में कल का समय था, और आप आज करके अन्य श्रेणी आप वो हो रहे, जिसको जब जिस समय समझ में आना होगा राजेश भैया, वो आज समझ में कैसे आ सकता है। ये भी तो केवल केवल के ज्ञान में आया है कि आज प्रीति जी को कितने स्थान स्पष्ट होंगे और कल आगे कितने होने वाले, नहीं आया कि नहीं आया है ना, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। अपन अशोक जी का जी को बोलते हैं कि आप पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, हम कल समझाएंगे आपको। पहली पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि अभार काल से मनुष्य पर्याप्तों का द्रव्य असंख्यात गुणा है, गुणकार क्या है, सूचांगुल का तृतीय वर्ग मूल गुणकार है। ये तो बिल्कुल आपको याद करना है, क्योंकि मनुष्य पर्याप्त का द्रव्य यहाँ पर आया जिसको राजेश भाई ने बताया, इसके पहले वाला स्थान कौन सा था, फिर से पढ़ो, नारकियों का, नारकियों कौन से, नारकियों का, नारकी मिथ्या दृष्टि। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नारकी मिथ्या दृष्टि मनुष्य पर्याप्त से ज्यादा है। नारकी मिथ्या दृष्टि क्या आई थी, पहली पृथ्वी के मिथ्या दृष्टियों का आभार का असंख्यात मतलब मतलब नारकियों से भी कम है क्या, किसको बोल रहे हैं, नारकी भी असंख्यात है, मनुष्य पर्याप्त भी असंख्यात है, लेकिन मनुष्य पर्याप्त असंख्यात नारकियों से भी कम है। फिर से देखो इस बोल को समझो, ये समझ आने वाला, अभी अपन क्या कह रहे हैं, नारकियों के मिथ्या दृष्टि का अवार काल ले रहे हैं, नारकियों के मिथ्या दृष्टि का क्या ले रहे हैं, अवार काल। अवार काल किसको कहते हैं, इसको जगत श्रेणी से मतलब जगत पत्र को उसको भाग दो, जिस संख्या को भाग देने वाली, तो ये संख्या तो आगे आने वाली है, ये संख्या अभी आगे आने वाली है, क्योंकि अभी अवार काल की बात कर रहे हैं। लेकिन हम मनुष्य पर्याप्त का किसको ले रहे हैं, द्रव्य को ले रहे हैं। अब मुझे बताना है उषा दोषी कि मनुष्य अपर्याप्त ज्यादा है कि नारकी ज्यादा है, नारकी मिथ्या दृष्टि, नारकी मिथ्या दृष्टि ज्यादा है, क्योंकि नारकी मिथ्या दृष्टि का तो अवार काल ही लिया है ना, और उसका द्रव्य तो आगे आने वाला है, अवार काल से आगे आएगा ना, अवार काल तो भागा आ रहा है, लेकिन जगत श्रेणी कहां पर है, ये जो मनुष्य अपर्याप्त कहां पर है, नारकियों के अवार काल से भी के बाद में उसका नंबर आया है ना। तो अब इसको क्या बोलेंगे, मनुष्य पर्याप्त से नारकियों का अवार काल थोड़ा है, लेकिन मनुष्य पर्याप्त से नारकियों की मिथ्या दृष्टि जीव राशि अधिक है, दोनों तरफ से बोलना, बीच में क्या रखना उषा दोषी, मनुष्य अपर्याप्त जीव राशि, मनुष्य पर्याप्त जीव राशि से छोटा कौन सा है, नारकियों मिथ्या दृष्टि की अवार काल, और इससे आगे चलकर बहुत जागे आगे चलकर क्या आएगी कि नारकियों की मिथ्या दृष्टि जीव राशि आएगी। चलिए पढ़िए आगे, सूचांगुल का तृतीय वर्ग मूल गुणकार मनुष्य पर्याप्तों के द्रव्य से सौधर्म ईशान के मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल असंख्यात गुणा है, गुणकार क्या है,
सूच्यांगुल का द्वितीय वर्ग मूल गुणकार है। सौधर्माधिक सौधर्माधिक के मिथ्या दृष्टि व्यवहार काल से जगत श्रेणी असंख्यात गुणी है। अब यहाँ पर गणित का सार होता है जो मंगलाचरण बोलते हैं कि मैं गणित का सार कहूंगा, तो इन दो बोलों में गणित का सार क्या है? मैं बताता हूँ आराम से। अपन ने एक बात की, मनुष्य अपर्याप्त की बात की है ना, उसकी बात की थी, और हम उसकी भी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हमारे को तीन बात है। किसकी बात है? विषकंप सूची की। हमें पता है कि जब हम दीर्घ गंधारा में आगे बढ़ते जाते हैं तो सबसे पहले किसकी विषकंप सूची आती है? सौधर्म ईशान की विषकंप सूची आती है, जिसको हमने बोला था घनांगुल का तृतीय वर्गमूल। उसके बाद में नारकियों की विषकंप सूची आती है, और उसके बाद में भवनवासी की विषकंप सूची आती है, और उसके बाद में घनांगुल आता है। ये याद है ना, एक लाइन हमेशा याद रखने का, ये कई बार अपन बोल चुके हैं। उस लाइन का ज्ञान को अगर यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं देखो बताता हूं मैं आपको। ये लाइन खींचनी पड़ती है। ये कौन सी लाइन है? दीर्घ गंधारा की लाइन है। असंख्यात स्थान पर जाते तो कौन सा आता है? मूल तीन आता है, मूल दो आता है, घन मूल है, मूल लिखा, ये सूचक, ये तो सूचक बल है। अब गंधारा नीचे है तो ये आते हैं सौधर्म में ईशान की विषकंप सूची आती है, उसके बाद नारकियों की विषकंप सूची आती है, उसके बाद विषकंप सूची भवनवासी की आती है, उसके बाद घनांगुल की आती है। ये बात है ना अपने को। वो सौधर्म ईशान की विषकंप सूची कितनी बनाई थी? मूल दो गुणा मूल तीन बनाई थी। ये मैंने टेबल आपको दिया भी है, मूल गुणा दो गुणा मूल तीन की बताई थी, ठीक है ना। अब हमको लाना है सौधर्म ईशान की विषकंप सूची का बोल। अभी पढ़ा उन्होंने, क्यों उन्होंने पढ़ा? अशोका जी ने भी पढ़ा ना सौधर्म ईशान की विषकंप सूची, पढ़ा आपने जी है। घनांगुल क्या होता है? हाँ, घनांगुल अंगुल का तीन बार गुणा करें, अंगुल गुणा अंगुल, अंगुल अंगुल घन हो जाता है। घन कहते हैं क्यूब को, जैसे अपन ने था ना मीटर में मीटर का गुणा करें, मीटर करें तो घन मीटर आ जाता है। मतलब क्यूब, घन मतलब क्यूब, वर्ग मतलब स्क्वायर। अंगुल माप की यूनिट है क्षेत्र की, अंगुल गुणा अंगुल गुणा अंगुल हो गया घनांगुल हो गया, ठीक है ना। अब हमने अभी कौन सा बोल पढ़ा, फिर से पढ़ो। सौधर्म ईशान का क्या पढ़ा आपने? पढ़ो जाके मूल सौधर्म ईशान का पढ़ो, फिर से पढ़ो। हाँ जी, सूच्यांगुल मनुष्य पर्याप्तों के द्रव्य से सौधर्म ईशान के मिथ्या दृष्टियों का आभार काल असंख्यात गुणा है। हाँ। क्या है? सूच्यांगुल का द्वितीय वर्ग मूल गुणकार है। हाँ, अभी सूच्यांगुल का द्वितीय वर्ग मूल कैसे आया गुणकार, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ मैं आपको? सूच्यांगुल का द्वितीय वर्गमूल, और ये वाक्य में हमको गणित का सार अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने कहा था ना जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपके बीच में इनको दो दो बोल के बीच में गुणाकार प्रतिगुणाकार इनको बताने का प्रयास करूंगा। तो अभी फिर से पढ़ो इसको अशोका जी। जी, सौधर्म ईशान के मिथ्या दृष्टियों का आवहार काल असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? सूच्यांगुल का द्वितीय वर्ग मूल गुणकार है। हाँ, प्रीति क्या निकाले? सौधर्म ईशान का आवहार काल, किसका निकाल रहे हैं? सौधर्म ईशान का आवहार काल। उषा दोषी आवहार काल कैसे निकालेंगे? जगत श्रेणी को विषकंप सूची से भाग देने पर आवहार काल निकलता है। जब वो नारकियों की निकाल रहे थे ना, तो वहां पर आवहार काल कितना आया था? 32,765 जो भी संख्या आती थी, 65,536 को दो से भाग दिया था। नारकियों की जब अपन विषकंप निकालते थे, विषकंप सूची अपन ने दो मानी थी, पनट्टी अपन ने वो माना था, पनट्टी में भाग दिया था, तो हमारा नारकियों का आवहार काल आ गया था। आया था ना, मतलब आवहार काल की बात है। तो आवहार काल कैसे निकालते हैं? कि विषकंप सूची से भाग देने पर, किसको भाग देने पर? जगत श्रेणी को। और ये स्थान हमारे जगत श्रेणी के नीचे के चल रहे हैं, तो जगत श्रेणी को भाग देने वाली बात चल रही है। अब यहां पर कौन सा आया? द्वितीय वर्गमूल का गुणाकार। गुणाकार का मतलब क्या है? कि जैसे पहला स्थान 16 है और आगे का स्थान 32 है, तो गुणाकार कितना हुआ? दो हुआ। पहले का स्थान दूसरा दो 32 का। हमारे यहां 32 पर किसको लेना है? सौधर्म ईशान का आवहार काल लेना। क्या लेना? आवहार काल। और यहां पर उत्तर क्या बताया जा रहा है? गुणाकार क्या बताया? वर्गमूल क्या? घनांगुल कौन सा बताया? वर्गमूल। सूच्यांगुल का दूसरा वर्ग, ये गुणाकार बताया। तो आपको पहले दो याद करना है। चलो आप थोड़ा याद कर लो। पहले का स्थान कौन सा? 16। आगे का स्थान कौन सा है? 32। 32 किसको लिया मैंने?
समझने के लिए, इस लाइन को समझने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि हम बात कर रहे हैं 32, 32 क्या है, सोधर्म ईशान का अवार काल, 32 क्या, सोधर्म ईशान का अवार काल, वो सरल एग्जांपल ले रहे हो, उसके पहले किसका है, किसकी किसका है, इसके पहले वाला संघ मनुष्य पर्याप्त, मनुष्य पर्याप्त, तो मनुष्य पर्याप्त कितना है, मनुष्य पर्याप्त का द्रव्य असंख्यात गुणक है, नहीं नहीं मनुष्य वो ठीक है, मनुष्य पर्याप्त कौन सा स्थान, उसके 16 की जगह पर है जी। अपन को समझना है कि गुणाकार दो कैसे आया, अपन क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सोधर्म ईशान का जो उन्होंने विष्कम्ब सूची बताई उसके बाद में आचार्य पूछा गुणाकार कितना है, तो उत्तर आचार्य ने बताया, क्या उत्तर बताया उषा दोषी, मनुष्य पर आपसे दूसरा उत्तर बताया सूचुंगुल का द्वितीय वर्गमूल, द्वितीय वर्गमूल, उत्तर बताया सूचुंगुल का द्वितीय वर्गमूल बताया है ना, अपने को द्वितीय वर्गमूल को अपन ने क्या मान लिया, दो गुणा मान लिया, 16 गुणा 32, इसलिए उनका 16 गुणा द्वितीय अपने पर बता लिया, तो उपल का स्थान कितना हो गया, 16 हो गया, तो 16 में गुणा करने पर 32 आता है ना, तो गुणाकार क्या है कि 16 में गुणा किया, तो अब हमको निकालना है कि 16 कितना होगा, अपने को पता है कि 32 कितना है, तो सूचुंगुल बता ना, सूचुंगुल का दुगुना गुणा, सूचुंगुल 3 गुणा किया था, मूल 3 को मूल 3 से गुणा किया था, मूल 2 गुणा मूल 3, सूचुंगुल का मूल 2 गुणा मूल 3 क्या थी, सोधर्म ईशान की विष्कम्ब सूची थी है ना, और उसको मतलब जगत श्रेणी से भाग दिया तो ये आया, तो संख्या कौन सी आ रही, मूल 2 और मूल 3 आ रही है, तो ऊपर वाली संख्या मूल 3 होगी, कौन सी, जिससे अपर्याप्त मनुष्य की संख्या निकल रही है अपर्याप्त 3, वो क्या होगी, 1/3 होगी, तो इसको गुणा करेंगे तो उसको करेंगे तो मूल गुणा 2 गुणा मूल 3 आ जाएगी, सोधर्म ईशान की जो है ये आ जाएगी, 1/2 मूल 2 1 गुणा आ जाएगी, अवार काल का उल्टा हो जाएगा ना, भागाकार बन जाएगा, मतलब ये कैसे निकला मूल 2, ये निकला विष्कम्ब सूची से निकला, कहां से निकला है, विष्कम्ब सूची से, रुकेंगे, सिर्फ 2% समझ में आया है, 98% समझ में नहीं आया है, तो 98% के लिए कल तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए, आपको समझ आए, 2% समझ आए, मैं बता रहे है ना, ठीक है, जिनवाणी स्तुति, लघु जिनवाणी स्तुति, समय हो जाता है अपना, पंडित जी मैंने आज डाला था ना उसमें, आपने देखा है, पंडित जी ग्रुप में डाला था ना मैंने आज, आज डाले तो मैं आज देखूंगा, आज डाले तो आज देखूंगा ना, जब आपने डाले आज तो कल कैसे देख सकता हूँ, आज देखूंगा, हम लोग आपसे पीछे चलते हैं ना, पंडित जी की आज हो रही है, अब राजुल जी को समझ में नहीं आया शायद, बता दीजिए तो वहाँ पे रात थी, अपन ने आज जब डाला तो वहाँ रात थी, अब देखेंगे पंडित जी, 10 घंटे का टाइम पीछे है ना, ज्यादा है अभी, 11:30 घंटा डिफरेंस है, चलो ठीक है, अब छोड़ो उसको ना, आधा घंटा पीछे रात है, आधा घंटा पीछे 8:30 बज रही है, 8:30 लगते हैं, अमेरिका जाने में 12:24 आपको, मॉर्निंग की 8:30, चलिए चलिए, जावाणी के ज्ञान थे सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो विज्ञानम नमो लोय सुभसावणम, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो विज्ञानम नमो लोय सुभसावणम, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो विज्ञानम नमो लोय सुभसावणम, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो विज्ञानम नमो लोय सुभसावणम, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो विज्ञानम नमो लोय सुभसावणम, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो विज्ञानम नमो लोय सुभसावणम, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो विज्ञानम नमो लोय सुभसावणम, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो विज्ञानम नमो लोय सुभसावणम, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयराणम नमो विज्ञानम नमो लोय सुभसावणम, जय माता की, जय बोलो सीता।